पिछली दफ़ा हमने कुछ डेटा टाइप्स और स्लाइसिंग वगैरह पढ़ ली थी, बूलियन और कह लें कि लिस्ट्स बेसिकली कर ली थी, लिस्ट काइंड ऑफ एरे, मगर एरे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने बीच में किया था स्लाइसिंग, जिसका लुबे लुबाब ये था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलन लगा के बता सकते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक उठाना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि 2 to 4 कहेंगे तो इसका मतलब है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को एक्सक्लूड करके, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि अगर 2 to 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंडेक्स नंबर 2 and 3, ठीक है। तो जो राइट वाला आता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। 2 colon लिखेंगे तो इसका मतलब है 2 से एंड तक, कॉलन 2 लिखेंगे इसका मतलब है स्टार्ट से लेकर 2 तक। तो ये बड़े आसान तरीका देता है, कॉलन सिर्फ कॉलन का मतलब है सारा, -1 का मतलब है कि स्टार्ट से ले, ये कॉलन -1 का मतलब है स्टार्ट से लेके आखिरी से एक पहला आखिरी को ये -1 कहता है, ठीक है। तो उसको एक्सक्लूड कर दें बीच में, ठीक है। तो ये एक आखिरी से एक काम तक आ जाए, ठीक है। और सो काइंड ऑफ इस तरह आप लिखवा भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो हमने जो स्टार्ट किया था वो ये था आखिर में लूप, ठीक है, कि लूप क्या होता है कि आप अगर कोई काम बार बार करना चाह रहे हो, ठीक है। और टिपिकली जो एक कॉमन लूप है फॉर और वाइल, दोनों इसमें चलते हैं, हम फॉर को टच कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, एरे है, एनीथिंग, ठीक है, तो हम एक एक करके चाहते हैं पहले एक काम इस पर करें, फिर इस पर करें, फिर इस पर करें, एंड सो ऑन, राइट। सो हम उसके लिए लूप लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई और लैंग्वेज हो, जिस तरह कामरान ज़रा इस तरफ कर देंगे क्योंकि मैं इधर हूँ अब मोबाइल, ठीक है। तो ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम एक मुख्तलिफ हम चाहते हैं कि पहले एक पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, एंड सो ऑन जा सके। तो हम अमूमन अगर सी होती तो हम थोड़ा वर्बोस सिंटैक्स लिखते हैं कि फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जो भी साइज होगा, आई प्लस प्लस, और फिर आप जो भी एरे की इंडेक्स आई से पढ़ते, राइट। तो इसके साथ जो भी काम करते, प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लेते, इसमें कुछ लिखवाना है लिखवा लेते, ठीक है। तो लूप टिपिकली इस तरह का होता है कि जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पर ख़त्म हो, और इस तरह से इंक्रीमेंट हो। लेकिन मैंने बताया था कि पाइथन और मैटलैब इस तरह से बनी हुई हैं कि जो आपके लिए ईजी सिंटेक्स लिखे, ठीक है। तो अगर हम पाइथन में ये करें तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि लेट्स से कि जिस तरह हमने ये एक एरे बनाई हुई है एनिमल्स की, कैट, डॉग, मंकी, ठीक है। तो हमने सिंपल लिख दिया फॉर एनिमल इन एनिमल्स, ठीक है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया एनिमल और इन एनिमल्स लिखा, उससे ये पूरा हो जो हमने लूप की गोल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना था ना कि यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पर ख़त्म हो। इट इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि एनिमल जो है वो एक एक करके सारों पर लेकर जाओ, ठीक है, और उसके लिए ये काम कर दो जो काम हमने नीचे लिखा हुआ, ठीक है। सो सिंटेक्स अगेन पिछली दफ़ा का जो मैंने आपको कहा था कि तमाम ब्लॉक्स में क्या होता है कि ब्लॉक आगे कॉलन और टैब से आप आगे जाते हैं। तो हमने फॉर और इधर कॉलन तो आना था और टैब के बाद उसके जो आ रहा है वो इसके अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये जो एनिमल इन एनिमल्स है इसका मतलब क्या है कि एनिमल वेरिएबल लो, उसको पहले इसके इक्वल कर दो, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसके, वो खुद ब खुद इसमें लूप थ्रू करता रहेगा, एक एक करके सारों में जाओ, और हमने कहा सारों को प्रिंट कर दो, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये सब के सब प्रिंट हो गए। सो मच ईजियर, सुडो कोड की तरह का हो गया बजाय इसके कि आप वो एक वर्बोस किस्म का सिंटेक्स लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन प्लां प्लां, तो उसके बजाय। लेकिन इसमें आसानी तो होगी, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि व्हाट अबाउट कि मुझे करना होगा, मैं 0 नंबर चाहिए, 1 नंबर चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स अगर आपको चाहिए तो एक बिल्ट इन फंक्शन है इन्यूमरेट का, ठीक है। तो फिर आप लिख सकते हैं फॉर इंडेक्स कॉमा एनिमल इन इन्यूमरेट, तो उसमें एनिमल में वो वैल्यू आती जाएगी और इंडेक्स में इंडेक्स आता जाएगा, ठीक है। तो अब इधर हमने दोनों प्रिंट किए कर दिए, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम सिंटेक्स पढ़ा था कि जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर हमने कोई वेरिएबल प्रिंट करना हो तो हम कोट्स के अंदर करली ब्रैकेट्स डाल देते हैं और बाद में फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट करके आगे वेरिएबल्स देते हैं। हमने इधर कहा कि यार इंडेक्स प्लस 1 और उसके बाद एनिमल, इंडेक्स प्लस 1 इसलिए किया क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और आम बंदे जो हैं वो 0 के बजाय 1 से काउंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम पहला इंडेक्स आएगा तो इधर 1 आ जाएगा, बिकॉज इंडेक्स में पहली दफ़ा 1 होना है और वहाँ पे कैट आनी, पहली दफ़ा 0 होना है और कैट आनी है, फिर 1 होना है और डॉग आना है, फिर 2 होना है और मंकी आना है। तो हमने प्लस 1 क्योंकि किया हुआ तो ये 0 1 2 के बजाय
वन टू थ्री फ्रेंड। सो ये आपका काइंड ऑफ अगर इंडेक्स भी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी स्ट्रांग चीज़ है इसमें, उसको हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे पास एक लिस्ट थी नंबर्स की, ठीक है, 0, 1, 2, 3 और 4, और मैं एक और नई एरे बनाना, नई लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ जिसमें इनका स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई और उसके बाद मैंने एक एक करके मैं एक्स इन नम्स कहा, तो इसका मतलब नम्स में एक एक करके जाओ, और हमने कहा था डबल स्टेरिक से एक्सपोनेंट लेते होते हैं, तो हमने कहा कि स्क्वायर्स में अपेंड करते जाओ एक्स स्क्वायर। तो ये एम्प्टी थी, पहली दफ़ा एक्स जीरो हुआ तो जीरो का स्क्वायर, दूसरी दफ़ा एक्स वन हुआ तो वन का स्क्वायर, तीसरी दफ़ा एक्स टू हुआ तो टू का स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली स्क्वायर्स में आ जाना चाहिए 0, 1, 4, 9 एंड 16, ठीक है। सो और ये क्योंकि प्रिंट पीछे है तो इसका अंदर ये फॉर लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है, बिकॉज टैब से पता चलता है कौन सी चीज़ ब्लॉक के अंदर है। टैब जब ख़त्म हो जाए इसका अंदर ब्लॉक वहाँ पे ख़त्म हो। आखिर में हमने स्क्वायर्स प्रिंट की, तो ये एरे शुरू में एम्प्टी थी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स की एरे लैपटॉप कह रहा हूँ, 5 एरे की लिस्ट बन जानी। मैं लिस्ट और एरे थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि ये डिफरेंट चीज़ें हैं इन पाइथन, लेकिन मिलती जुलती ज़रूर है, ठीक है। ओके, सो ये एक सिंपल सा लूप था, लेकिन पाइथन में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। उससे ये जो पूरा लूप लगाया ना अलहदा से, और उसको हमने ये करवाया, हम स्क्वायर्स की एरे डायरेक्टली एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते थे जिसके अंदर ये काम कर दे, और ये नीचे हमने ये काम किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि स्क्वायर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन नम्स, ठीक है। तो इसकी डिक्लेरेशन में हम अगर कहते ना फॉर एक्स इन नम्स, तो पाइथन इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो कि यार इन नम्स में एक एक करके जाओ और हर एक का स्क्वायर ले लो और उससे इसको इनिशियलाइज करा दो। तो इससे आपका अगेन जो आप सूडो कोड लिख रहे हैं उससे मिलता जुलता सिंटेक्स बन जाता है, कि ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता और ज़्यादा रीडेबल भी हो जाता है, ठीक है। 32 में इसमें जो जी अपेंड मैंने बताया था कि आखिर में इंसर्ट करने को कहते हैं अपेंड, जो है यानी कि ये लिस्ट है ना, ये खाली है ना, इसमें हमने आखिर में अपेंड कर दिया, तो इसमें जब पहली दफ़ा अपेंड होगा तो ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर जब दोबारा अपेंड होगा तो वो एक एंट्री थी उसके आगे अपेंड हो जाएगा अगले, ठीक है। तो अपेंड का मतलब है एंड के अंदर, एंड पे इंसर्ट करना, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर ये अपेंड का फंक्शन एग्जिस्ट है। ओके, सो ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। ओके, अच्छा, लिस्ट की तरह एक और चीज़ होती है डिक्शनरीज, ठीक है। सो डिक्शनरी क्या होती है, नॉर्मली एक एरे या लिस्ट में क्या होता है कि हम हमारा इंडेक्स जीरो से लेकर, यानी हम कह रहे थे ना इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह आ रहा है। डिक्शनरी में हम कहते हैं कि ये इंडेक्स जो खुद है ना, ये भी हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो या कोई और टाइप हो, बेशक इंटेजर ही हो जाए, लेकिन कोई और चीज़ भी हो सकती है पोटेंशियली, ठीक है। तो हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, कि ये की है, ये वैल्यू है। की का मतलब इंडेक्स उसका हो गया एक तरह का, और वैल्यू उस की की क्या वैल्यू है, ठीक है। जिस तरह इधर हमने लिखा हुआ है कि कैट कॉलन क्यूट, तो ये वैल्यू है, ये उसकी की है, ठीक है। सो अगर पहले लेट से मैं कह रहा था कि जीरो नंबर पे क्यूट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि कैट पे क्यूट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यानी अगर वो डिक्शनरी है ना, तो मैं अगर डिक्शनरी के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूं कैट, तो इसका मतलब होगा कि ये रिटर्न करेगा क्यूट, ठीक है। सो बजाय नंबर इंडेक्स के आप कोई स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नंबर भी रख सकते थे, यानी आप जीरो क्यूट भी रख सकते थे, ठीक है, तो वो तकरीबन पर लिस्ट की तरह ऑपरेट करना शुरू हो जाना था, ठीक है। तो डिक्शनरी बनाते हुए क्या फ़र्क है, अभी तक जो हम लिस्ट बना रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ओके, सो हमने जो अभी तक लिस्ट बनाई थी उसमें साइडों पे स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, डिक्शनरी डिक्लेयर करते हुए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम की वैल्यू पेयर्स देना शुरू कर देते हैं कि कैट के साथ क्यूट लगा दिया, कॉमा डैग के साथ फरी लगा दिया, तो अब ये दो एलिमेंट्स की डिक्शनरी बन गई, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि कैट पे क्यूट है, डॉग पे फरी है। अगर मैं प्रिंट करूँ डी और स्क्वायर ब्रैकेट में कैट, तो वो
कैट के लिए क्यूट आ जाएगा। अगर इसके बजाय मैं डी डॉग करता तो फरी प्रिंट हो जाता, ठीक है। दूसरे प्रिंट को एक मिनट इग्नोर करें, पहले प्रिंट पे आ जाए, ठीक है। तो ये पहला प्रिंट समझ आ गया कि डी कैट इज क्यूट। अगर इसके बजाय मैं इस जगह पे डॉग कर देता तो ये फरी आ जाता। तो अब मैं एरे को इंडेक्स कर रहा हूँ यूजिंग अ की इंस्टेड ऑफ अ इंडेक्स, ठीक है। ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ अ डिक्शनरी के जिसमें वर्ड मीनिंग्स भी आप कर सकते हैं कि एक तरफ एक लफज हो दूसरी तरफ उसका मीनिंग हो, ठीक है, तो वो भी मिलता जुलता काम। अच्छा, ये दूसरी जो लाइन है ये कह रही है कैट इन डी। तो अगर आप कैट इन डी लिखेंगे ना तो ये एक तरह का चेक कर रहा है कि क्या कैट एग्जिस्ट करता है इसके अंदर एज अ की। तो इधर ट्रू आ रहा है बिकॉज कैट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसके बजाय कोई और कहता हूँ, फॉक्स कहता हूँ, ठीक है, तो ये फॉल्स आ जाएगा क्योंकि डिक्शनरी में इस वक्त फॉक्स एग्जिस्ट नहीं करता। डिक्शनरी में हमारे सिर्फ दो एलिमेंट है इस वक्त, ठीक है। अच्छा, आप डिक्शनरी में नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस थिंग। क्या आप लिखें डी फिश इज इक्वल टू वेट, तो ऑटोमेटिकली एक नई एंट्री उसके अंदर ऐड हो जाएगी डिक्शनरी में जिसमें फिश कॉलन वेट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हमने किया तो पहले हमने लिखवाया फिर हमने उसको एक्सेस किया तो वह एक्सेस हो गया, ठीक। अच्छा, आप अगर डिक्शनरी से कोई एलिमेंट गेट करना चाहें तो आप गेट कर सकते हैं डॉट गेट लगाकर, ठीक है। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो बेसिकली अगर मैं इधर एन ए ना लिखूं, ठीक है, तो डॉट गेट वैसे भी चल जाता है, ठीक है। यानी मैं ये अगर करूँगा तो उसने नन कह दिया, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि मंकी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सॉरी, बल्कि मैं ये गलती कर गया, मुझे ये पिछली लाइन में हो रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं करूँगा ना तो मुझे ये अगर मैं डी मंकी प्रिंट करूँ तो मुझे ये एरर दे देगा बिकॉज मंकी इनमें एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। आप उसके बजाय ये कर सकते हैं कि आप नॉट एप्लीकेबल डॉट गेट लगा दें और उसके आगे डिफ़ॉल्ट मैसेज दे दें कि यार अगर ना मिला तो क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसमें आप कह सकते हैं जिस तरह हमने इस केस में एन ए लिख दिया है कि ये नहीं एग्जिस्ट किया, कोई भी एरर मैसेज लिख दें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज इंस्टेड ऑफ कि एरर मैसेज इधर प्रिंट। क्या फ़ायदा क्या है कि जब ये एरर मैसेज प्रिंट होता है ना तो अगर आप लेट से बहुत से सेल रन कर रहे थे तो ये जैसी एरर होता है वो उससे आगे के सेल रन नहीं करता। यानी आप ऊपर से अगर कहेंगे ना कि रन ऑल टिल दिस पॉइंट, ठीक है, तो दरमियान में जहाँ पर एरर आएगा वो वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। आप उसके बजाय चाह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर वो रुके ना, वहाँ पे वो एरर मैसेज इधर प्रिंट कर दे और आगे चलता जाए, तो आप इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं कि अगर ना मिला तो क्या करना है, ठीक है। तो ये हमने ये काम किया, ठीक है। इसी तरह आप डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग डेल डी एल और आगे आप लिख दें, और उसके बाद अगर आप फिश को गेट करने की कोशिश करेंगे तो इसने कह दिया कि ये तो मुझे नहीं मिली, ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिंक भी हैं, तो मैंने ये वाले ट्यूटोरियल जो था पिछली यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड किया उसके नीचे इसका लिंक डाल दिया हुआ है जो CS231N वाला था, तो आप उसको जाकर उधर से देख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि हम सारी चीज़ कवर नहीं कर सकते, वी कैन कवर ओनली पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो कुछ बेसिक्स कवर कर देंगे और बाकी चीज़ें आप एज यू गो सीखते जाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में इसी तरह होता है कि आप लैंग्वेज कोई भी पूरी कवर शेयर नहीं कर रहे होते, ठीक है। ओके, अगर आपने इस पर लूप लगाना हो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो लूप लगाना भी बड़ा ईजी है। तो ये आपने लेट से कि आपने ये डिक्शनरी बनाई है कि इंसान की दो टांगें होती हैं, बिल्ली की चार होती हैं, स्पाइडर की आठ होती हैं, ठीक है। सो आप लगा सकते हैं लूप के फॉर एनिमल लेग इन डी डॉट आइटम्स, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली डी के जितने भी आइटम्स हैं उन पे ये एनिमल और लेग यानी की को इधर ले आएगा, वैल्यू को इधर ले आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह कि आप पहले लेट से एनिमल और फिर लेग कर दें, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा कि पर्सन हैज़ टू लेग्स, कैट हैज़ फोर लेग्स, स्पाइडर हैज़ एट लेग्स, ठीक है। सो बिकॉज हर दफ़ा आपने पहली दफ़ा आए जब ये ज़ीरो इंडेक्स पे गया तो वहाँ पर की जो थी वो पर्सन थी और टू था, तो वो पर्सन एंड टू आ गया एंड सो, ठीक। ओके,
अच्छा, इसमें सारे सिंटेक्स आपको याद रखना फिलहाल ज़रूरी नहीं है। ओबियसली जब आप कोड करते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा। अभी तो आपको ट्यूटोरियल का लिंक तो आपके पास है। जब आपको कोई चीज़ भूल रही होगी कि अच्छा यार लिस्ट पे तो ऐसे करते थे और इस पे कैसे करते थे, ठीक है, उसमें इन्यूमरेट था, इसमें डी डॉट आइटम्स है, तो कौन सा यूज़ करूँ, ठीक है। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि उसी वक्त ट्राई कर लें, ठीक है। नहीं होता जाके आप सारा ट्यूटोरियल खोलें और उसमें देखें उसमें क्या लिखा हुआ था। तीन चार दफ़ा जब आप ट्राई करेंगे डिफरेंट दफ़ा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर तरीका ये है कि याद करने के बजाय प्रैक्टिस करें तो याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसकी जो हमने दूसरी चीज़ उसमें पढ़ी थी लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन की, कि अगर मैंने एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बनानी हो तो हम फॉर जो है दूसरी बनाते हुए भी लगा सकते हैं, तो वो इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर लिखा हुआ है कि एक मेरे पास नाम्स की एरे थी और मैं उसके नाम्स की लिस्ट थी, इस लिस्ट से मैं एक डिक्शनरी बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं पहला नंबर लिखूँ और फिर उसका स्क्वायर लिखूँ, फिर दूसरा लिखूँ फिर उसका स्क्वायर लिखूँ। लेकिन क्योंकि इससे बनाना चाह रहा हूँ तो एक तरीका यह था कि मैं लूप लगाऊँ और उसको बनाऊँ, और एक तरीका यह है कि मैं लिखूँ एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इन नाम्स, ठीक है। अभी इसको भूल जाते हैं, अगर मैं ये आगे वाला ऐसा नाम ही लिखूँ ना, चलो फर्स्ट स्टेप में मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास डिक्शनरी बन जाएगी जिसमें 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक्स कॉलन जब लिखेंगे, अच्छा अगेन ये करली ब्रैकेट्स में, तो करली ब्रैकेट्स फॉर डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी और कॉलन की वजह से इसको ज़्यादा पक्का हो गया कि ये डिक्शनरी ही बना रहे हैं, ठीक है। एक तरफ एक्स चाहिए, एक तरफ उसका स्क्वायर चाहिए, और किसके लिए चाहिए, फॉर एक्स इन। और इसी कॉम्प्रिहेंशन में आप मजीद चेक भी डाल सकते हैं कि अगर मैं इफ़ एक्स परसेंट डू इक्वल टू जीरो करूँ तो क्या ये चेक करता है कि सिर्फ इवन नंबर हो तो तब बनाएगा, तो अगर ऑड नंबर आएगा तो उसका वो स्क्वायर नहीं लेगा, अगर यानी कि इसी के अंदर हमने एक इफ चेक भी लगा सकती है, ठीक। तो ये हम कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास डिक्शनरी बनी ये इवन नंबर्स की बनी, ऑड नंबर के केस में ये फेल हो गया तो उसने उसको अपेंड नहीं किया उसके अंदर। ओके, सो ओके हैं लूप्स और कॉम्प्रिहेंशन एक ही तरह की चीज़, यानी दोनों लिस्ट में भी चल जाती हैं। तो हमने एक चीज़ लिस्ट पढ़ ली है और एक चीज़ हमने पढ़ ली है डिक्शनरी, ठीक है। और फिर इनको दोनों को यूज़ कर लिया, इसमें की कॉलन वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी काइंड ऑफ एरे की तरह की चीज़ थी। और हमने इन दोनों के केस में लूप्स भी पढ़ ली हैं, कैसे उन पर लूप थ्रू करेंगे, हमने कॉम्प्रिहेंशंस भी देख ली हैं, ठीक है, कि एक से दूसरे कैसे बनाएंगे, ठीक है। ओके, अब एक तीसरी चीज़ इसी किस्म की आ जाती है सेट, ठीक है। सेट क्या चीज़ है, सेट इज़ ना मैथमेटिक्स में हम सेट कहते हैं ना कि एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स जिसमें थिंग्स रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो पाइथन सेट है उसमें चीज़ें रिपीट नहीं, आप उसमें सेम चीज़ दोबारा ऐड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। सो सेट जो है, अच्छा इसमें हमने देखा था कि इसमें यूज़ होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसमें यूज़ होती हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमने बेसिकली जो डिफरेंट ये कंटेनर है ना, इनमें सेट है और इसके बाद एक और छोटी सी चीज़ है टपल्स, ये पढ़नी है हमने और फिर हम इसके आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो सेट में क्या है कि जिस तरह अगर मैं सेट बना दूँ तो सिंपल हमने ये सेट बनाया, ठीक है, हमने कहा कि एनिमल्स इज इक्वल टू कैट डॉग जस्ट लाइक लिस्ट सिवाय विद करली ब्रैकेट, ठीक है। तो देखेंगे आप ये कि तकरीबन लिस्ट की तरह है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो हम इधर हाईलाइट कर देते हैं। डिक्शनरी में करली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे लेकिन दरमियान में कॉलन था तो क्योंकि की वैल्यूज थी, इसमें वो कॉलन हट गया, ठीक है, लेकिन बाकी ये लिस्ट की तरह है, लेकिन सिवाय विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दो डिफरेंसेज हैं मेन। सो पहला डिफरेंस ये है कि आपने ये तो उसी तरह ट्रू फॉल्स कर दिया हमने, ठीक है, सॉरी कॉल आना शुरू हो रही है उसको मैं ओके। तो ये तो हमने चेक कर दिया कि भाई कैट एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, फिश करती है कि नहीं, ये तो उसी तरह है, ठीक है। अच्छा इसमें ऐड करना हो तो डॉट ऐड आप यूज़ करके फिश भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और
यहाँ पर हमने चेक किया हुआ कि फिश एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो ट्रू आना चाहिए अगर ऐड हो गई है, और लेंथ भी बढ़ जानी चाहिए क्योंकि पहले लेंथ 2 थी, अब उसकी लेंथ 3 हो जानी चाहिए अगर फिश ऐड होगी। तो ये वाकई जो फिश ऐड की है तो वो ऐड भी होगी, ठीक है। फिर हमने कहा है कि अच्छा कैट भी ऐड करें, और उसके बाद हमने रिमूव भी किया, तो ऐड किया। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो लिस्ट से फ़र्क है कि लिस्ट में मैं एक और दफ़ा ऐड कर दूंगा या अपेंड कर दूंगा तो एक और कैट ऐड हो जाएगी। सेट के अंदर चीज़ें रिपीट नहीं होती, तो इसका मतलब अगर कैट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी तो मैं ऐड भी कर दूंगा तो इसकी लेंथ वही रहेगी, रिमूव करूंगा तो एक लेंथ कम हो जाएगी बिकॉज अब हमने कैट रिमूव, ठीक है। सो अगर कैट को ऐड किया तो पहले भी 3 थी कैट डॉग, और हमने बाद में फिश ऐड किया था, अब हमने कैट रिमूव की तो वो 2 हो गई, कैट ऐड की तो वो इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि लिस्ट सेट के अंदर आप अगर एक्स्ट्रा एक चीज़ को डुप्लीकेट करने की कोशिश करें तो वो नहीं होती। तो पहली चीज़ ये, सो पहली चीज़ ये है कि सेट में कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगी, इट्स काइंड ऑफ अ लिस्ट बट इसमें चीज़ें डुप्लीकेट नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, यानी कि लिस्ट में तो आपने जिस ऑर्डर में लिखी है उस ऑर्डर में होती हैं, सेट का इनहेरेंटली कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर इसको लूप करें एक एक करके, आपने इसका इंडेक्स बिल्कुल ये हमने उसी तरह लिस्ट की तरह प्रिंट करवाया हुआ, ठीक है। सो सिर्फ फ़र्क क्या है कि इधर ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स होती तो ये लिस्ट होती, कर्ली ब्रैकेट्स हैं तो ये सेट है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मैंने शुरू में कैट लिखा था, फिर डॉग, फिर फिश, लेकिन प्रिंट कराते हुए फिश ऊपर आ गया, ठीक है, बिकॉज सेट में कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सेट में कोई ऑर्डर है कि नहीं। सेट की कॉम्प्रीहेंशन भी इसी तरह चलती है जिस तरह बाकी चलती है, जिस तरह इधर हमने क्या किया हुआ है, हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का सेट बनाओ फॉर एक्स इन रेंज 30, ठीक है। तो रेंज क्या करता है, रेंज 0 से लेकर, ये पिछली दफा मैंने बताया था, 0 से लेकर जो नंबर बताया हुआ है उस तक आपके नंबर जनरेट कर देता है, ठीक है। हमने इसको इंट में कन्वर्ट किया हुआ, तो इसमें जोन से भी इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट कहते हैं 30 तक जाएं जिसका तो उनका जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर आता हो, ठीक है। तो ये हमने वो बना दिया, तो अगर हम 0 से 30 तक जाएं तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाता है, उसके बाद अगर हम जाएंगे 6 का वो 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा इंटीजर नहीं है पीछे जो कि आ रहा। अच्छा हाँ, ये मैंने बताना भूल गया, बिल्कुल पाइथन में ना कोई भी पैकेज ऐड करना कहते हैं लाइब्रेरी से इम्पोर्ट करने के लिए हम इस किस्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट्स डायरेक्ट कर देंगे, सब कुछ इम्पोर्ट कर देगा, तो आप सब कुछ यूज़ करेंगे। तो आप कोई स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये लिख लेंगे, तो ये भी हो सकता है कि आप खुद एक फाइल बनाएं जिसमें आपने कोई यूज़फुल फंक्शन लिखे हुए हैं तो आप उसमें से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस कि अगर मुझे आखिर तक टाइम मिला तो मैं उसकी भी एक एग्जांपल छोटी सी कवर कर दूँगा, ठीक है। जी तो बेसिकली अगर आपने नॉर्मल प्लस माइनस करना है उसके लिए तो आपको चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है, साइन, कॉस, प्रॉब्ली सील एंड फ्लोर, ठीक है, इस किस्म के फंक्शन अगर आपने यूज़ करने हैं तो उनके लिए आपको मैथ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जिसके खाली जगह नजर आ रही है ना, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुई, जो एग्जीक्यूट हो गई है ना उनके इफेक्ट्स परमानेंट हो गए, यानी उसमें जो वेरिएबल बनाए थे, जिस दिन अभी हमने ऊपर वेरिएबल बनाया अगले वाले सेल में हमने उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमने एक दफा इम्पोर्ट कर लिया है तो अब हम उसके बाद स्क्वायर रूट अगर एक और सेल बनाकर उसमें भी लेंगे तो चल जाएगा बिकॉज इम्पोर्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला सेल ना चला होता और मैं वो सेल चलाने की कोशिश करता, क्योंकि सेल तो मैं किसी भी ऑर्डर में चला सकता हूँ ना, तो फिर मसला होना था, ठीक है। तो अगर आपने वो एक इंडिपेंडेंट चलवाना है सेल तो उसमें भी इम्पोर्ट कर लें, ठीक है। ओके, सो आखिरी चीज़ आ गई टपल्स की, ठीक है। सो टपल्स क्या होते, टपल्स जो है ना, पहली चीज़ है इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल है, कि ये एक दफ़ा आप बना लेना तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो ये कॉन्स्टेंट्स है एक तरह के। और दूसरा अमूमन ये इस फॉर्म में होते हैं कि a कॉमा b गोल ब्रैकेट्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इधर हमने एक टपल बनाया है
5, 6. टपल बनाने के लिए गोल ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं जिनको हम पेरेंसिस कहते हैं. सो पेरेंसिस में हमने 5, 6 एक टपल बना दिया. ठीक है, टपल की खास बात यह है कि टपल्स जो है ना दे कैन बी यूज एज इंडेक्स ऑफ अ डिक्शनरी. ठीक है, डिक्शनरी के इंडेक्स में कोई स्ट्रिंग या नंबर तो यूज हो सकता है लेकिन लिस्ट को आप एज एन इंडेक्स नहीं यूज कर सकते, लेकिन टपल्स को आप एज एन इंडेक्स यूज कर सकते. फॉर एग्जाम्पल इधर हमने एक डिक्शनरी बनाई है लेकिन इस डिक्शनरी में हमने क्या किया है कि डिक्शनरी की जो है वो खुद दो वैल्यूज पर मबनी है. ठीक है, एक्स एक्स प्लस वन. सो यानी मैं कहूँ फॉर एक्स इन रेंज 10 का हुआ है तो हमने कहा है कि 1, 2, 1. पहले केस में ये बन जाएगा टपल 0, 1, 0. डिक्शनरी की पहली एंट्री आ जाएगी. दूसरी एंट्री आ जाएगी 1, 2, 1, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं एक्स एक्स प्लस वन कॉलन एक्स. ठीक है, एंड सो ऑन करते करते हमने कहा 9, 10, 9. ठीक है, बिकॉज रेंज 10 अगर आ रही है तो हम 0 से 9 तक जाएंगे. ठीक है, तो ये आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई इस लाइन की बदौलत. ठीक है, अब इसमें इंडेक्स करना है तो ये इंडेक्स जो कर रही हैं ये तो खुद दो नंबर्स पर मुश्तमिल है तो इसको हम अब कहते हैं कि ये टपल है. ठीक है, तो हम टपल के थ्रू इंडेक्स कर सकते हैं. तो हमने इधर कहा हुआ है कि पहले हमने इसकी टाइप प्रिंट की तो हम अगर देखेंगे तो ये इसकी टाइप बता देगा कि टपल है. दूसरा ये कि अब हमने कहा डी ऑफ टी कि यार 5, 6 जो है उसको प्रिंट करो. तो 5, 6 पे क्या होगा, इसी पैटर्न पे जा रहे हो तो 5, 6, colon 5 ये होना चाहिए. तो ये एंट्री हमारी प्रिंट हो जानी चाहिए. ठीक है, अगर मैं इस टपल के जरिए इसको एक्सेस करने की कोशिश करूं. ठीक है, क्योंकि ये कॉलन के इस तरफ जो है ये इंडेक्स बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी. ठीक, तो 5, 6 पे 5 पड़ा हुआ है बेसिकली, हम ये कहना चाहें. तो 5, 6 को अगर मैं एक्सेस करूं तो मुझे 5 रिटर्न होना चाहिए. ठीक जी, नहीं, हमने एक्स एक्स प्लस वन पे एक्स लिखवाया है, पहला वाला लिखवाया है, एक्स प्लस वन नहीं लिखवाया. ठीक है, ओके. और इसी तरह अगर मैं सिंपल टपल को डिक्लेयर ना करता और गोल ब्रैकेट्स में 1, 2 लिख देता तो स्टिल ये टपल ही था. ठीक है, तो 1, 2 पे 1 रिटर्न हो जाना चाहिए. ठीक, तो ये आपके पास क्लास टपल इसकी टाइप आ गई, हमने पहले टाइप प्रिंट की थी. 5, 6 के ऊपर 5 है, 1, 2 के ऊपर 1. ठीक, टपल को अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कि अगर मैं कहूँ कि 0, 1 बनाने की कोशिश करो तो हमारे पास एरर आ जाएगा बिकॉज टपल आर इम्यूटेबल. टपल एक दफा बन गया तो बन गया. ओके, सो ये हमारे एक काइंड ऑफ हमने पिछली क्लास में देखा था कि ओवरऑल लैंग्वेज में आपके पास या डेटा टाइप्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं या लूप्स इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, फिर फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो हमने हम उसमें से जो हमने इस में कवर करना था कि कंटेनर्स एंड डेटा टाइप्स वो हमने कवर कर दी. ठीक है, कि डेटा टाइप्स उसी तरह की थी यानी स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन, ये 3-4 थी. और फिर आपके पास जो कंटेनर्स हैं वो हमने 4 किस्म के कवर कर दिए, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट एंड टपल्स. हम एक्चुअली जो यूज़ कर रहे होंगे वो NumPy arrays यूज़ कर रहे होंगे जो हमने कवर नहीं किया, अभी हम उसको बाद में कवर करते हैं. ठीक, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है क्यों यूज़ कर रहे होंगे. ठीक है, तो उसको हम इसलिए यूज़ कर रहे होंगे कि लिस्ट हमें फ्लैक्सीबिलिटी तो देती है. लिस्ट देखा जाए तो बड़ी जनरल सी चीज़ है जिसमें जो मर्जी ऐड करो और ठीक है और बहुत से काम कर लो, लेकिन जब वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो उसकी कॉस्ट ही होती है कि आपने उसके पीछे बहुत सा कोड लिखा होता है जो कि मेक श्योर कर रहा होता है कि ये चीज़ भी ऐड हो सके, वो भी ऐड हो सके. हमने जो मशीन लर्निंग में काम करने हैं उसमें हमने डील करना है नंबर्स से, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, ये काम करना है. तो वो सारे एक ही टाइप के होते हैं. ठीक है, और एक टाइप का हो तो आप बहुत सारे उस पर चेक्स हटा सकते हैं और वो फिर जब चेक्स हटते हैं तो कोड तेज़ चलना शुरू हो जाता है. ठीक है, और ये आप लोगों ने C++ जब पढ़ी थी तो अपनी स्ट्रिंग क्लास अगर लिखी हो तो वो ज़्यादा तगड़ी क्लास होगी लेकिन उसमें थोड़े से एरर चेक्स भी एक्स्ट्रा होंगे.
ठीक है। इसी तरह जो नॉर्मल एरे है उसमें एरर चेक्स नहीं है लेकिन वो फास्ट भी है, ठीक है, तो इसलिए हम आगे नंपी एरे यूज़ करेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं, हमने लूप्स तो कुछ टच कर दिए हैं लेकिन हमने वाइल लूप नहीं टच किया, बट वाइल का सिंटेक्स भी उसी तरह है, ठीक है। यानी कि अगर मैं वाइल भी लिखूँ ना तो वाइल इधर कोई कंडीशन और कॉलन और फिर टैब डाल के इधर लिख दूँ तो ये चलता रहेगा, ठीक है। और अगेन इसके अंदर हमने कवर नहीं किया, इसके अंदर ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू भी उसी तरह यूज़ होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, कि अगर आप मैं लेट से किसी कंडीशन पे कह दूँ कि ब्रेक कर जाओ तो इसका मतलब है लूप छोड़ो, बाहर आ जाओ और आगे लूप के एंड के आगे चले जाओ। अगर इसके बजाय मैं कॉन्टिन्यू कह दूँ तो उससे क्या होता है, कॉन्टिन्यू से ये होता है कि इस वाली एट्रेशन को छोड़ो, अगली एट्रेशन पे चले जाओ, ठीक है, तो इस एट्रेशन में बाकी का काम छोड़। तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, मगर ये वाले इस ट्यूटोरियल में कवर नहीं हुआ, बट यू शुड नो दैट, क्योंकि कई दफ़ा कोई कंडीशन आती है जिसमें आप कहते हैं कि यार तब तक लूप चलाओ जब तक दरमियान में कोई भी कंडीशन ये वाली आई तो बस बाहर चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पर फिर हम ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इट्स बेटर। ओके, सो जो चीज़ें रह गई थी वो थी फंक्शन एंड इफ एल्स, ठीक है। सो इफ थोड़ा सा हमने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूज़ किया था, लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है ये आपको दोनों चीज़ें कवर कर देती। सो पाइथन में जब आप फंक्शन बनाना होता है तो आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डेफ, कि आप डिफाइन करने लगे, ठीक है, तो उसके आगे आप लिख देते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है और फिर गोल ब्रैकेट्स में बता देते हैं कि उसकी इनपुट्स क्या है। जिस तरह अगर मैंने किसी नंबर का बताना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो मैं कह सकता हूँ डेफ साइन एक्स, कि भाई आप एक्स इनपुट में लें, अंदर हमने चेक किया हुआ कि अच्छा अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो कह दो पॉजिटिव, अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो कह दो नेगेटिव, वरना कह दो ज़ीरो। और कहते हैं फिर हमने ये चेक किया हुआ है कि फॉर एक्स इन माइनस वन ज़ीरो वन, ताकि तीनों केस हो जाए, माइनस भी हो जाए, प्लस भी हो जाए और ज़ीरो भी हो जाए, और उसके ऊपर आप प्रिंट कर दें साइन। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। सो कॉल कैसे हो रहा है कि आप इधर से साइन कॉल करेंगे ये एग्जीक्यूट होगा, फिर आप एक एक करके जाएंगे, माइनस वन पे साइन कॉल करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाना चाहिए, फिर ज़ीरो पे करेंगे तो पॉजिटिव, वो ज़ीरो आ जाना चाहिए, फिर वन पे करेंगे तो पॉजिटिव आ जाना चाहिए, ठीक। सो यू गेट द आइडिया कि फंक्शन किस तरह है। पहली चीज़ के डिफाइन करने के लिए फंक्शन डेफ लिखेंगे, ठीक है, बाकी वही तरीका है कि जो भी नाम आएगा उसके आगे कॉलन और टैब से आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा कोड इस फंक्शन के अंदर आ रहा है। और इफ एल्स में, अच्छा ये दोनों चीज़ें कवर कर रहा है, ये वाली एग्जांपल है छोटी सी लेकिन सिंटेक्स वाइज आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, कि इफ और एल्स इफ कैसे लगेंगे। एल्स और इफ तो उसी तरह है लेकिन एल्स इफ को ई एल आई एफ लिखते हैं हम, ठीक है, पाइथन में। तो अगर मैंने एल्स इफ लगाना है तो वो एल्स इफ नहीं है, वो ई एल आई एफ है। तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है जब आप कोड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप किसी और लैंग्वेज से हैं तो आपको आदत होगी कि इफ़ एल्स इफ लिख, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ था कि मैं पहले कोड लिखा, एल्स इफ लिखा, चला नहीं, फिर मैं गूगल किया यार एल्स इफ पाइथन में क्या, मुझे ओ ई एल आई एफ, ठीक है। तो काइंड ऑफ जो छोटे छोटे क्वर्क्स होते हैं ना कि एक लैंग्वेज से दूसरे में जाने, उनमें एक याद रखने वाला है एल्स, ठीक है। तो एक मैंने आपको बता दिया कि कर्ली ब्रैकेट्स के बजाय टैब और इधर कॉलन, ठीक। सो इसको रन करें तो हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी आउटपुट आ गई, कि माइनस वन के लिए नेगेटिव, जीरो के लिए ज़ीरो, वन के लिए पॉजिटिव। तो फंक्शन तीन दफ़ा कॉल हुआ, कॉल रिटर्न उसी तरह है कि आप फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसको जो भी जिस चीज़ पे कॉल करना हो इनपुट दे देते हैं, और उसकी आउटपुट अगर मैंने असाइन करनी होती तो मैं लेफ्ट साइड पर लिख देता कि भाई वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो ये भी हो जाना था। यानी अगर मैं इधर तो सिंपल प्रिंट किया हुआ है ना, ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट के बजाय y इज इक्वल टू साइन एक्स भी लिख देता ना और प्रिंट y कर देता, फॉर एग्जांपल मैं कहता कि यार y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो ये उसका साइन इसको साइन हो जाना था, ठीक है, और फिर मैं इधर प्रिंट y कर देता, सॉरी, ठीक, तो यानी कि उसकी आउटपुट असाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। बास का हम फंक्शंस को डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट भी पास करना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह इधर हमने एक से ज़्यादा आर्गुमेंट्स दिए, नेम भी दिया और लाउड भी दिया एक फंक्शन, ठीक है,
सो लाउड पे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, यानी लाउड किया तो हेलो को कैपिटल एच से कर देंगे और नाम को भी अपर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर लाउड ना हो, यानी टेक्स्ट लिखा हो तो वो कैप्स में लिखा हो तो आपको लगता है ना किसी ने ऊंचा बोल के आपको कह दिए, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। लेकिन जो शो हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि डिफॉल्ट अगर वैल्यू देनी हो तो आप उसके साथ ही इक्वल टू फॉल्स लिखते हैं। अगर मैं ना लिखता इसको इक्वल टू फॉल्स तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होनी थी, जब भी कॉल करना था मुझे दोनों आर्गुमेंट्स देने पड़ने थे। लेकिन अगर मैंने इक्वल टू फॉल्स लिख दिया तो अब अगर मैं सिंपल दूसरा आर्गुमेंट नहीं दूंगा तो वो डिफॉल्ट स्मॉल्स में प्रिंट हो जाएगा बिकॉज लाउड फॉल्स है, ठीक है। और अगर मैं लाउड को ट्रू करके करूँगा कॉल तो वो लाउड ट्रू हो जाएगा, अगर मैं लाउड को फॉल्स करके करूं तो तब भी वो फॉल्स होगा, या ना दूं तब भी वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर दोनों केस में, एक में हेलो बॉब प्रिंट हुआ एक में हेलो फ्रेड हुआ, जिसमें लाउड को ट्रू किया हुआ था तो वो ट्रू होगा। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि इक्वल टू डाल के दें, आप यूं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यूं कर दूं, ठीक है, सो पहला आर्गुमेंट दूसरा आर्गुमेंट दे दें, लेकिन अगर आप नाम डाल के दे देंगे तो आपको भी समझ आ, मतलब अगर ज़्यादा इक्वल टू डाल के भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह ज़रा ज़्यादा यूज़ अंडरस्टैंडेबल सिंटेक्स हो जाता है। अगर बहुत सी इनपुट होती है और हमें याद ना होता कि कौन सी इनपुट का क्या मतलब था, तो वो हमने साथ नाम दिया हो तो हमें फिर याद आ जाएगा कि ये चीज़ ट्रू है ये चीज़ फॉल्स है। ओके, सो फंक्शन हो गए, फंक्शन में तो कोई ख़ास बात नहीं थी सिवाय ये कि डेफ से स्टार्ट करें, बाकी सी से मिलते जुलते थे। इनपुट्स गोल ब्रैकेट्स में आई, नाम हुआ, आगे टैब डाल के कॉलन डाला, टैब डाल के आपने कोड लिखा, अगर जहाँ पर रिटर्न करना है तो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न का कीवर्ड भी उसी तरह है जिस तरह हमारे किसी भी लैंग्वेज में होता है कि जिसमें चेक किया, अगर यहीं पे ट्रू हो गया तो इधर से ही वापस चले गए, नहीं तो आगे चले गए, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, क्लासेस भी हैं पाइथन में, क्लासेस का जो सिंटेक्स है वो ये है तो सिंपल सा, लेकिन मुझे उस लगता है कि शायद C++ में थोड़ा सा इससे बेहतर सिंटेक्स है, ठीक है। लेकिन एनीवे, सो ये एक हमने छोटी सी क्लास बनाई हुई है ग्रेटर के नाम से, और इसमें एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टर जो ज़रूरी होता है, जिसमें आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर डेफ, अच्छा क्लास का नाम, क्लास क्लास का नाम कॉलन और टैब, वो बिल्कुल उसी तरह हर ब्लॉक में यही होता जा रहा है, ठीक है, कि आपने कॉलन और टैब हर एक में आ रही है, चाहे इफ हो चाहे वाइल हो चाहे फॉर हो चाहे फंक्शन हो चाहे क्लास हो, ठीक है। तो वो एक कॉमन सिंटेक्स है हर जगह पे, लेकिन क्लास के केस में कीवर्ड आ गया क्लास का, साथ आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है जिसका फिक्स नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। सो ये आपका इनिट का फंक्शन है, इसमें आप बता देंगे कि यार कौन सी चीज़ों के साथ इसको इनिशियलाइज करना है, जिस तरह हमने कहा कि एक नेम से हमने इनिशियलाइज करना, तो इसमें एक ही है सेल्फ, आप सेल्फ इज काइंड ऑफ दिस पॉइंटर, लेकिन इसको आप अज्यूम फिलहाल इग्नोर कर दें, ठीक है। तो इसके बाद जो आ रहे हैं ना वो आपके एक्चुअल में इनपुट है, तो हमने कहा कि नेम इसकी इनपुट है, ठीक है। फिर हमने एक फंक्शन भी इसके अंदर लिख दिया, ये एक कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन था और एक और फंक्शन लिख दिया लेट से ग्रीट करने का, तो जो हमने पीछे फंक्शन लिखा था ना कि लाउड और वो वाला, ठीक है। तो हर फंक्शन में ना आप पहला आर्गुमेंट सेल्फ दे रहे हैं, ठीक है। मेरा अपना जाती ख्याल ये है, जो कि गलत भी हो सकता है, ठीक है, कि शायद ये क्योंकि कोड सी से बना हुआ था जिसमें क्लासेस की सपोर्ट डाली हुई है, इसलिए आप हर दफ़ा सेल्फ पास कर रहे हैं, बट इट कुड बी सम अदर रीजनिंग एज वेल, कि हो सकता है कि पाइथन का इट सेल्फ मुझे लगता है कोड शायद C++ में ना हो सी में हो, लेकिन आपने उसमें क्लासेस की सपोर्ट डालनी थी तो आपने ये सेल्फ पॉइंटर हर जगह पास करना, तो सेल्फ जो लिखना है हर दफ़ा वो आपने लिखना है। तो सेल्फ से मुराद ये वाली जो भी ऑब्जेक्ट होगी वो, ठीक है, इट सेल्फ, ठीक है। तो आप तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेफर करें, ठीक। तो हमने जब इसको प्रिंट करवाया तो आपने देखा होगा सेल्फ डॉट नेम को ऑपर कर दो, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डॉट नेम जो हमने इधर इनपुट में बताया हुआ था, ठीक है, उसको आपने ऑपर कर दिया, ठीक है। और लाउड है तो ऑपर कर दिया, नहीं तो सिर्फ नाम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। नीचे हमने दो इसकी ऑब्जेक्ट, सॉरी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई जी इज इक्वल टू ग्रेटर फ्रेड, तो अब ये क्या हुआ कि इससे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और ये ऑब्जेक्ट बन गई जिसमें आपका फ्रेड जो है उससे नेम इनिशियलाइज हो गया, ठीक है।
आपने अगर सिंपल ग्रीड कॉल किया तो ये वाला जी डॉट ग्रीड से ये फंक्शन कॉल हुआ विद लाउड इज इक्वल टू फॉल्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अगर आपने लाउड इज इक्वल टू ट्रू के साथ कॉल किया था तो लाउड इज इक्वल ट्रू के साथ कॉल करते हुए हमने कोई सेल्फ नाम की चीज़ पास नहीं की, ठीक है। वो सिर्फ इधर एक वर्क है, इस जगह पर आपको सेल्फ लिखना पड़ता, ठीक है। दैट्स वाई मेरा ख्याल है कि सी प्लस प्लस का सिंटेक्स थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है इससे इन टर्म्स ऑफ क्लासेस, ठीक है। बाकी सारी जगहों पर पाइथन जो है वो ज़्यादा कहते हैं कॉमन सेंस का। पहला आर्गूमेंट सेल्फ होगा, क्योंकि आप सेल्फ डॉट करके एक्सेस करेंगे जो आपने कंस्ट्रक्टर में बताया होगा ना। तो मैंने जो भी इसके अंदर चीज़ें रखनी है वो मैं इधर कंस्ट्रक्टर में साथ इनिशियलाइज कर दूंगा, और जो जब मैंने फंक्शन कॉल करना होगा तो सेल्फ डॉट लगा कर उनको एक्सेस, ठीक। तो ये हमने रन किया तो हमारे पास दोनों तरह से ये फंक्शन कॉल हो गए, ओके। सो हमारा काइंड ऑफ कह लेंगे जो पाइथन की बेसिक्स थी ना वो यहाँ पर तकरीबन ख़त्म हो गई। यानी कि हमने जो पाइथन के अंदर करना था कि हमने लूप भी कर लिया, एफ एल्स भी कर लिए, क्लासेस को भी टच कर लिया, क्या सिंटेक्स है, ठीक है। हमने लूप्स एफ एल्स के अलावा फंक्शंस भी देख लिए, ठीक है, और जो बेसिक उसकी डेटा टाइप्स एंड कंटेनर से वो भी देख लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंपाई पे। सो नंपाई जो है ना ये एक लाइब्रेरी है जो कि कहते हैं साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए काफ़ी यूज़ होती है। अभी हम देखेंगे कि सिंटेक्स इसका प्रेटी सिमिलर टू जो हमने लिस्ट यूज़ की थी उससे मिलता जुलता ही है, लेकिन ये इनहेरेंटली फास्ट है, क्योंकि नंपाई का मतलब है कि जो भी मैं एरे बनाऊंगा वो एरे सेम डाटा टाइप्स की होगी। चाहे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, वन डायमेंशनल भी हो सकती है जो जिसको हम वेक्टर कहते हैं, बस का टू डायमेंशनल भी हो सकती है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है, फोर डायमेंशनल, जितने डायमेंशन बना लें, ठीक है। सो वो आपके एरे बन जो हम लिस्ट में भी बना सकते थे, ठीक है। बट लिस्ट में क्योंकि डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट्स हो सकती थी दरमियान में, तो लिस्ट इनहेरेंटली स्लो है, नंपाई उसकी नस्बत फास्ट है। और तो ये वेक्टर ऑपरेशंस के लिए काफ़ी यूज़ होती है, तो डेटा साइंस हो जाए, मशीन लर्निंग हो जाए, उसमें नंपाई काफ़ी यूज़ होती है। नंपाई यूज़ करना हो तो आप लिखते हैं इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, एनपी लिखना ज़रूरी नहीं है, जो भी आप नाम दे दें, ठीक है, ठीक। सो एनपी इसलिए लिखा है क्योंकि हमने आगे एक दो जगह यूज़ करना है, तो जितना छोटा हो हमें कम से कम टाइप करना पड़े, ठीक है, वरना आप इम्पोर्ट नंपाई एज जो नाम आप देना चाहें दे दें, ठीक है, ओके। सो मैंने ये रन कर दिया, ये इम्पोर्ट हो गई, ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ इम्पोर्ट होगी। सो नंपाई की जो एरे है वो मैंने आपको बता दिया, इट्स ग्रिड ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम काइंड, ठीक है, और उसको आप मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे और क्या क्या उसके फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिटी सिमिलर टू लिस्ट, सिवाय ये कि जो पहली दफ़ा इनिशलाइज करना होगा तब आप लिखेंगे लेट से ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और उसके आगे हमने ब्रैकेट में लिस्ट दे दी, तो इससे क्या होगा, ये लिस्ट ही है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो दिस इज अ लिस्ट। इस लिस्ट से नंपाई एरे को इनिशियलाइज करा दो, जिसका नाम रख दो ए, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आ गई। आगे हमने क्या किया हुआ, इसकी टाइप प्रिंट करवाई हुई है ताकि आपको नजर आ जाए कि ये नंपाई एरे है। दूसरा हमने इसकी शेप प्रिंट करवाई हुई है, तो अगर मैं ए डॉट शेप कहूँगा तो ये मुझे बता देगा कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मैंने एक्सेस करना हो इसके एलिमेंट्स को तो आप बिल्कुल ए ज़ीरो ए वन ए टू जिस तरह आप लिस्ट को एक्सेस कर रहे थे उस तरह कर सकते, यानी डिक्लेरेशन डिफरेंट है लेकिन आगे एक्सेस मेथड तकरीबन वैसे ही है जो कि आपका किसी भी एरे में था। किसी वैल्यू को चेंज करना हो, ए ऑफ ज़ीरो पे 1 पड़ा हुआ था, मैंने ए ऑफ ज़ीरो को 5 कर दिया, तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये 1, 2, 3 के बजाय 5, 2, 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। सो क्लास आई नंपाई डॉट एन डी एरे, ठीक है, एन डायमेंशनल एरे, इसकी शेप है 3, और आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक डायमेंशन है 3 की, ठीक, हाँ एक ही रो है। ये इसकी थोड़ी सी एक वियर्डनेस है कि बजाय इसने 3, 1 बनाने के 3, बस ये लिख दिया। टिपिकली जब हम आगे यूज़ कर रहे होंगे तो वी वुड प्रेफर कि वो 3, 1 हो, ठीक है। तो इसमें नंपाई एरे में ना जो एरे की डायमेंशन है उसको ये कहता है रैंक, ठीक है। तो ये रैंक 1 एरे है क्योंकि इसमें ए की डायमेंशन है। अगर मैं
टू डायमेंशनल बना देता तो ये 3.2, 3.3 कुछ इस किस्म की चीज़ बनाना शुरू कर देता। हम टिपिकली ये प्रेफर करेंगे कि ये हम 3.1 बनाएं, उसको ये रैंक 2 कहेगा, लेकिन बेसिकली हमें पता होगा कि ये वेक्टर है, ठीक है। तो लेकिन रैंक 2 में आपकी एक डायमेंशन 1 भी हो सकती है नंपाई में, ये थोड़ी सी डिफरेंस है फ्रॉम मैटलैब, ठीक है। हाँ जी, अब ये जो रैंक 1 एरे है ना, उसमें रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो जब पाइथन इसको ऐसे देखता है कि ये वन डायमेंशनल एरे है, आप इसको इस तरह समझें या इस तरह समझें, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रैंक 1 एरे में रोज और कॉलम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। रैंक 2 जब होगी, जब मैं इसको 2 डायमेंशनल बनाऊंगा, तब रो और कॉलम बनेगी, ठीक है। तो पाइथन के हिसाब से अगर मैंने वाकई एक रो वेक्टर बनाना है जिसके अंदर लेट से कि 5-3 या 1-3 पड़ा हो, ठीक है, तो वो ये कहेगा कि अगर मैंने वाकई रो वेक्टर बनाना है तो दिस इज़ अ 3x1 एरे, ठीक है। तो वो इसको 3.1 कहेगा और उसको कहेगा कि ये रैंक 2 एरे है जिसकी एक डायमेंशन 3 है, दूसरी डायमेंशन 1 है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैंने इसको कॉलम वेक्टर बनाना होता तो 3 रोज एंड 1 कॉलम होना था, तो अगेन वो एक रैंक 2 एरे बननी थी, ठीक है। तो इसकी वजह से बाज दफ़ा कोड में बग्स आ जाते हैं कि आप इसको एक वेक्टर रिज्यूम करके मल्टीप्लाई कर दें और वो इसको वेक्टर रिज्यूम करके मल्टीप्लाई ना करे, तो इशू थोड़ा बहुत आ सकता है, जिसके लिए बेहतर है कि हम इसमें थोड़ा सा एक और फंक्शन नीचे जाके पढ़ेंगे रीशेप का, कि आप इसी को डॉट रीशेप 3.1 कर दें तो ये 3x1 की रैंक 2 एरे बन जाएगी, एंड दैट विल डू योर जॉब। सो ये नटशेल जो टेक अवे पॉइंट है ये, कि अगर आपको वाकई एक रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर चाहिए लेकिन आपको नहीं पता कि उसने जो बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है वो रैंक 1 एरे बनाई हुई है या रो या कॉलम वेक्टर बनाया है, तो यू कैन ऑलवेज यूज रीशेप। आप बेफिक्र होके, चाहे वो पहले से हो वेक्टर, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीशेप एक बिल्कुल सिंपल सी कमांड है, वो कहती है कि जिस शेप में भी देना, मैं कॉलम में कॉलम उठा कर ना उसको प्लेस कर दूंगी जिस शेप में आपने कहा, कॉलम में कॉलम लिखवा दूंगी उसमें, ठीक है। तो रीशेप जो है वो यूज़ हम कर लिया करें। ओके, अभी हम मैं जल्दी उस पर चला गया, मुझे इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए था, पहले आप समझ तो लेंगे क्या है, ठीक है। लेकिन एनीवे, ओके, सो एरे जिस तरह लिस्ट थी हम देखा था, वो भी एरे की तरह एक्सेस होती है, तो ये भी एरे की तरह एक्सेस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप अगर 2 डायमेंशनल बनानी होती तो हम क्या करते थे कि अब हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली और उसके अंदर पहली रो लिख दी, फिर कॉमा दूसरी रो लिख दी, ठीक है, जस्ट लाइक लिस्ट। तो ये एक लिस्ट ही है इनफैक्ट, जिससे हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये अब एक रैंक 2 एरे बन गई, जिसमें एक डायमेंशन 2 है, दूसरी डायमेंशन 3 है, 2 रोज 3 कॉलम, ठीक है। सो अगर मैं इधर ही बी के साथ बी डॉट शेप भी प्रिंट कर दूँ, ठीक है, तो उसने अब बता दिया कि वो 2x3 है, ठीक। अच्छा, अच्छा, नंपाई के अंदर ना एरेस को इनिशियलाइज करने के भी कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन है, जस्ट लाइक मैटलैब। मैटलैब में भी यही है, इसी तरह के फंक्शन है कि 0 से इनिशियलाइज करें, फिक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करें, 1 से इनिशियलाइज करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकें। तो ये 3-4 काम आपको फ्रीक्वेंट करने पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर 0 से इनिशियलाइज करना हो तो आप कह दें कि भाई ए इज इक्वल टू np.0s, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, np.0s 2x2, 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। तो इसका अंदर 2 रोज 2 कॉलम्स कर, इधर आप कोई भी डायमेंशन दे सकते हैं, उतने डायमेंशन की एरे बन जाएगी इनिशियलाइज विद 0s, ठीक है। अगर मैंने 1 से इनिशियलाइज करना हो तो आप 1s लिख दें उसके बजाय, ठीक है, लेकिन ये 0s और 1s के लिए है, क्योंकि ये बड़े स्पेशल केस हैं। 2s के लिए ये नहीं है कि डॉट 2s लिखें, ठीक है। अगर आपने 2, 3, 4 या किसी और वैल्यू से इनिशियलाइज करना है तो फिर आप यूज़ करें np.full और उसमें आप डायमेंशन के बाद बता दें कि किससे इनिशियलाइज करवाना है। जिस तरह अगर मैंने 7x7 की बनानी है तो हम 7s नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे np.full 2x2 और उसको पूरी एरे को 7 से इनिशियलाइज कर दो, इसका ये मतलब है, ठीक है। सो अगर मैं इसको 7 के बजाय कुछ और करना चाहता तो मैं इसको लेट से मैं 100 से इनिशियलाइज कराना चाहता तो ये 100 से हो जाती, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अप टू अस, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ना इन्होंने
एन पी डॉट आई फंक्शन है, आई वैसे आंख लगे तो जस्ट एक पन के लिए शायद कि आप मेरा ख्याल है कि डॉट आइडेंटिटी भी होता है, लेट मी ट्राई, ठीक है, अच्छी चीज़ यह है कि हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इधर हमने एक ही डायमेंशन दिया, उसने ऑटोमेटिकली उसको टू डायमेंशनल बना दिया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो इसने उतने उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। मेरा ख्याल है कि इधर लेट मी ट्राई, सो आइडेंटिटी भी आप लिख सकते हैं पूरा, ठीक है, सो डॉट आइडेंटिटी भी करेंगे तो यही बन जाएगी, लेकिन अगर आप कम लफज लिखना चाहते हैं, सुस्त हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक। मैटलैब में भी आई यूज़ होता है ये वाला, ठीक है। अगर आपने रैंडम नंबर्स की एरे जनरेट करनी है तो आप कह सकते हैं कि एन पी डॉट रैंडम में से रैंडम फंक्शन कॉल करें और उससे एरे को इनिशियलाइज कर दें, तो ये बार बार मैं अगर इसको चलाता जाऊँ तो ये डिफरेंट रैंडम वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। मेरा ख्याल है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये रैंडम वैल्यूज़ जो हैं ये 0 to 1 होती है, तो अगर आप इसको किसी और रेंज में लेके जाना चाहें तो वो उसके मेथड्स होंगे इसके अंदर, ठीक। नहीं नहीं, लूप की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को अभी हम देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जिससे करना है, ऐड करना है, वो सिंपल प्लस करके हो जाएगा एरे में, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी मतलब बहुत कम लाइन ऑफ कोड में बहुत ज़्यादा काम इसमें हो जाता होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ी थी स्लाइसिंग एरे की, राइट, लिस्ट की स्लाइसिंग पढ़ी थी कि हम उसके किसी खास सेंटर में किसी एरिया में 10वीं रो से लेकर 11वीं रो तक और 12वें कॉलम से 14वें कॉलम तक अगर देखना चाहें, जो मैंने स्टार्ट में भी रिपीट करवाया कि कॉलन डाल के एक्सेस करें, तो एरे में भी आप एग्जैक्टली यूँ ही कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एरे बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो इधर बनी हुई है, ठीक है, तो ये रैंक टू एरे एक बना दी। अब अगर मैं इसको स्लाइस इस तरह से करना चाहता हूँ कि मैं इसका 2 3 6 7 उठा सकूँ, यानी कि पहला कॉलम मिस कर दूँ, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, और रो में मैं क्या करूँ कि आप बेसिकली फर्स्ट रो एंड सेकंड रो उठा दूँ, आखिरी मिस कर दूँ, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने रो में क्या करना है, रो में हमने पहली रो रखनी है, दूसरी रखनी है, तीसरी रखनी है, तो आप 0 से 1 तक जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने 0 से 1 तक जाना हो तो आखिरी वाला क्योंकि इसमें रह जाता है तो हम 0 से 2 तक लिखेंगे, तो हमने इधर लिखा हुआ है, पहले 0 0 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर कुछ भी ना लिखें तो स्टार्ट से लेकर 2 तक चला गया, ठीक है। और कॉलम्स में मैं उठाना चाहता हूँ कि पहला वाला कॉलम इग्नोर करना चाहता हूँ, तो मैंने स्पेसिफिकली मैंशन कर दिया कि 1 से स्टार्ट हो और 3 तक चले जाओ, इसमें 3 इग्नोर हो जाएगा और 1 और 2 आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद वाला आखिर वाला जो है वो इग्नोर हो जाता है, तो 1 से 3 तक का मतलब है 1 एंड 2, ठीक है, तो ये 2 3 6 7 निकल आना चाहिए भाई, जो कि हम देख रहे हैं इधर निकल रहा, ठीक। अच्छा, अगेन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्लाइस हम करते हैं, ये हमने लिस्ट में भी शायद देखा था, वो स्लाइस अगर मैंने बी बनाया ना ये, ठीक है, तो बी कोई अलहदा एरे नहीं बनी, बी उसी को पॉइंट कर रही है, यानी कि उसी का एक सबसेट है, यानी अगर मैं बी को चेंज करूंगा तो चेंज ए में भी हो जाएगी, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये अलहदा से उसकी कॉपी नहीं बनी, बल्कि ये स्लाइस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम डाटा, इट्स व्यूइंग द सेम डाटा, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ए 0 1 को प्रिंट करूं, ठीक है, और सो और बी 0 0 को 77 कर दूं, तो अब बी 0 0 जो था ना, बी क्या था, इसको पॉइंट कर रहा था, ए का 0 1 था 2, बी जो मैंने उठाई थी वो इसी हिस्से को पॉइंट कर रहा था, तो बी का 0 0 भी था 2, ठीक है, यानी कि ये आपका ये वाला हिस्सा, ये स्लाइस देख रहे थे ना 2 3 6 7, तो ए के हिसाब से ये क्या है, 0th रो का फर्स्ट कॉलम, राइट, बी के हिसाब से क्या है, 0 0, ठीक है, लेकिन अगर बी के 0 0 को मैं चेंज करूंगा ना, तो आप देखेंगे असल ए का 0 1 चेंज हो जाएगा,
ए का 01 बाय डिफॉल्ट था 2, ठीक है। मैंने बी 00 को चेंज किया और 77 कर दिया, तो ए के 01 पे 77 आ गया बिकॉज बी वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेम डाटा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जब आप पाइथन यूज करें, होंगे अगर आपने स्लाइस किया है तो वो स्लाइस डाटा जो है वो कोई कॉपी नहीं बनी बल्कि वो उसी असल एक्चुअल डाटा को पॉइंट कर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और जो इंडेक्सिंग का तरीका है, एक तो ये हमने स्लाइस उठाए ना, स्लाइसिंग जिसको कहते हैं, एक और होता है इंटेजर इंडेक्सिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये एक एरे बना दी जो कि हमारी 3x4 एरे है, ठीक है। तो अब हमने इधर इसको सेकेंड रो ही एक्सेस किया है तीन डिफरेंट तरीकों से, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसकी फर्स्ट रो और सारे कॉलम उठा लो, ठीक है, कॉलम का क्या मतलब था, सारे कॉलम उठा लो, कि इस तरफ भी कुछ नहीं बताया, इस तरफ भी कुछ नहीं बताया, तो स्टार्ट से एंड तक। एक है कि मैंने बताया कि 1 से 2 तक उठाओ, ठीक है, सो 1 से 2 तक उठाओ और सारे कॉलम उठा लो। तो 1 से 2 का मतलब है कि फर्स्ट रो से स्टार्ट हो और 2 जो है वो तो एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि फर्स्ट रो ही उठाओ। तो अगेन मैंने फर्स्ट रो ही उठाई, सारे कॉलम उठा दिए। फिर मैंने लिखा कि यार स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा 1 और ये पूरा उठा दो। अच्छा, तीनों को मैं करूँ तो आपको कॉन्टेंट इधर एक ही तरह का नज़र आ रहा होगा, ठीक है, सेम ही आ रहा है 5, 6, 7, 8। लेकिन जो नीचे वाले दो हैं ना, उनमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट से एक तो 2 नज़र आ रही हैं और दूसरा ये लिखा हुआ है 1/4, 1/4, ठीक है, इधर लिखा हुआ है 4 कॉमा कुछ नहीं। तो ये रैंक 1 व्यू है। अगर मैं सिंपल एक कहूँगे यार ये वाली रो उठा दो, तो वो इसको एक रैंक 1 व्यू देगा। रैंक 1 व्यू का मतलब है कि वो कहेगा कि ये एक 1 डायमेंशनल डाटा है, इसकी दूसरी डायमेंशन है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरह से उठाएंगे जिसमें आप कहते हैं कि स्लाइस करके, ठीक है, तो तब ये इसको रैंक 2 व्यू देगा उसी चीज़ का, ठीक है। अगेन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बात का तो जाता है, लेकिन मैंने आपको उसका सलूशन क्या बताया, जब भी व्हेन इन डाउट यूज़ रीशेप, ठीक है, उसको रीशेप करके जिस डायमेंशन में आप असल में चाहते हैं उसमें लें, ठीक है। यही काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने कहा हुआ है कि सारी रोज और पहला कॉलम, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2, 6, 10, ठीक है। सो पहला कॉलम जो था वो 0 नंबर वाला नहीं था, वो 1 नंबर वाला था, इसलिए 2, 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 क्या था, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो सेकंड वाले पे 5, 6, 10 आना था। लेकिन अगेन अगर मैंने 1, 2, 2 लिखा होता तो अब इसने रैंक 2 व्यू देना था, है 1, 2, 2 का मतलब भी एक ही कॉलम है, ठीक है, बिकॉज 1 से स्टार्ट और 2 तो एक्सक्लूडेड है। लेकिन अब उसने देखें कि उसने एक कॉलम वेक्टर बनाया, ठीक है। तो हमारे केस में टिपिकली जब आप जो मशीन लर्निंग और लीनियर अलजेब्रा का काम कर रहे होंगे तो उसमें हमारा उसमें हम कोशिश कर रहे होंगे कि ये रैंक 2 व्यू देखें, रैंक 1 व्यू ना देखें, क्योंकि उसमें हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए शक होगा कि वो रो रो से मल्टीप्लाई हुई भी है कि नहीं। ओके, ये अच्छा, आप जो हमने देखा था कि जब आप स्लाइसिंग यूज़ करते हैं तो वो सेम डाटा को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप इंटीजर एरे यूज़ करें ना तो आप उसको यूज़ करते हुए नई एरेज भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इधर इसकी कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो पहले हमने एक एरे बना ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2, सेकेंड रो 3, 4, थर्ड रो 5, 6, ठीक है। अच्छा, अब हमने इस जगह पर जो प्रिंट करवाया है, इधर आपको थोड़ा सा डिफरेंट सिंटैक्स नज़र आ रहा है कि हमने प्रिंट ए के अंदर 0, 1, 2 और 0, 1, 0 लिख दिया। तो दो एक बेसिकली कह लेंगे दो रोज बना दी, एक में 0, 1, 2 लिख दिया, दूसरे में 0, 1। इससे वो क्या करेगा, इससे वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये एक्स इंडेक्स है, ये वाई इंडेक्स है। तो ये उठाएगा क्या, 0, 0 को उठाएगा विच वुड बी 1,
फिर ये कहेगा वन वन को उठा लो, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम विच वुड बी फोर, फिर ये कहेगा टू जीरो को उठा लो, ठीक है, टू जीरो कौन सा होगा, जीरो वन टू, टू तो होगा ही नहीं, एक रन करके देख, ठीक है, वन फोर, अच्छा सॉरी थ्री थ्री रो से टू जीरो, मैं कन्फ्यूज ये हो गया कि ये तो दो है, ये थ्री थ्री थी ना, तो जीरो वन एंड टू, तो फाइव सिक्स जो था वो नीचे सेकंड था, तो टू जीरो इज फाइव, ठीक है, तो ये जीरो जीरो वन वन एंड टू जीरो को उठा रहा है। इस तरह भी हम उठाएं सेम चीज़ आएगी, आप इस तरह भी उठा सकते थे कि आप कहते ए जीरो जीरो वन वन टू जीरो, अगेन सेम चीज़ है, तो आप यानी एरे इंडेक्सिंग में ये कर सकते हैं कि एक दो रोज ले लें, एक एक्स कंसिडर हो जाएगी एक वाई कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जब आप एरे इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं ना, तो उसमें कुछ आप ये भी कर सकते हैं कि सेम वैल्यू रीयूज कर लें, जिस तरह इधर मैंने ऊपर तो अलग अलग वैल्यूज दी थी ना, जीरो जीरो वन वन टू जीरो, तो इनमें से दो सेम भी होती हैं तो वो दो दफ़ा वो वैल्यू आ जाती, ठीक है, जिस तरह इस केस में हमने किया हुआ है कि जीरो जीरो वन वन लिखा है तो दोनों दफ़ा जीरो वन आ जाएगा, ठीक है, या इस तरह लिख लें या जीरो वन दो दफ़ा लिख लें, इट्स द सेम थिंग, दोनों केस में हमने टू टू एक ही वैल्यू को दो दफ़ा भी कॉपी आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अनलाइक स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में आप एग्जैक्ट बता रहे थे कि इस रो से इस कॉलम तक जाओ, इस रो से इस कॉलम तक जाओ, तो उसमें कोई वैल्यू कॉपी नहीं हो सकती थी, लेकिन इंटीजर इंडेक्सिंग में ये फ़ायदा है कि आप इंडेक्स दोबारा सेम इंडेक्स यूज़ करेंगे तो सेम डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रिक इन्होंने जो की हुई है कि एक मैंने एरे बनाई लेट से पहले ये, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। अच्छा अब आप ये कर सकते हैं कि आप म्यूटेट कर सकते हैं कि आप एक रो या कॉलम या डिफरेंट जगहों से डाटा उठाकर उसमें कोई चीज़ ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल इधर हमने क्या किया हुआ, हमने कहा है कि एक आपने एरे बनाई जीरो टू वन जीरो, ठीक है, फिर आपने क्या किया कि आप एक एन पी डॉट ए रेंज फोर और बी प्रिंट कर दें। ए रेंज जो है वो भी रेंज की तरह का फंक्शन है जो कि क्या करता है कि जीरो वन टू थ्री आपका उठा देगा। तो हमने एक जगह पे ए रेंज फोर रखा, दूसरे पे बी रखा, व्हाट इट विल डू इज के जीरो वन टू थ्री तो इसका एक्स आ जाएगा ए रेंज की वजह से, ठीक है, और बी हमने क्या रखा था जीरो टू जीरो वन, तो जीरो टू जीरो वन, तो ये पहली रो का पहला एलिमेंट, ठीक है, ये वाला एलिमेंट आ गया, सेकेंड रो का ये वाला एलिमेंट, थर्ड सेकेंड रो का जीरो एलिमेंट, थर्ड रो का वन एलिमेंट, इनको उठा लेगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो आपको नजर आएगा कि यही आया, ठीक है, वन सिक्स सेवन इलेवन, राइट, वही था ना वन सिक्स सेवन इलेवन, ठीक। तो अब आप ये रैंडमली अगर कहीं से उठाना हो ना डाटा, तो ये आपको कैपेबिलिटी है कि आप इंटीजर इंडेक्सिंग यूज करके किसी भी जगह से एरे से डाटा फेच कर सकते हैं आर्बिट्ररी लोकेशन से। इस केस में हमने रोज सारी रखी, कॉलम पे आर्बिट्ररी लोकेशंस रखी, और इन्हीं को आप यूज करते हुए लेट से कि इन सारी लोकेशन पे 10 ऐड करना चाहता हूं मैं, तो मैं यही वाला ए एन पी ए रेंज 4 बी प्लस इक्वल टू 10 कर दूंगा तो इनमें 10 ऐड हो जाएगा। तो ये जो 1 था वो 11 हो गया, जो 6 था वो 16 हो गया, 7 17 हो गया, और जो 11 था वो 21 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आप एरे की रैंडम लोकेशंस पे जाकर, रैंडम तो अभी हमने काइंड ऑफ रैंडमली चूज़ किए हैं, लेकिन जब आप इसको कर रहे होंगे तो आप किसी वजह से यूज़ करना चाह रहे होंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है वो ये कि अगर मुझे किसी एरे के अंदर किसी जगह पर चेंजेस करनी है जो कि फिक्स नहीं है, अगर एक फिक्स रेक्टेंगल है जिसमें मैंने चेंज करनी है, तो मैं स्लाइसिंग यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर वो जगह जो है वो किसी फार्मूले से मैं निकाल सकता हूँ कि किस किस जगह पे जाना है, तो मैं उसकी उस फार्मूले से इसका एक्स वेक्टर या वाई वेक्टर बना दूंगा दोनों, और एक्स और वाई वेक्टर को यूज़ करते हुए उनमें चेंज कर दूँगा, ठीक। अच्छा बूलियन एरे इंडेक्सिंग जो है ना, उसके ज़रिए भी आप आर्बिट्ररी एलिमेंट्स उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने कहा ए ग्रेटर देन टू सिंपल किया,
ठीक है। इससे क्या होगा कि ये जो इसमें जो जो सी चीज़ टू से बड़ी आ रही है ना, वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, बाकी जगहों पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये किया, देखेंगे पहला जो है ये वन और टू जो है ना, ये ग्रेटर देन टू नहीं थे, तो पहली रो फॉल्स हो गई, दूसरी ट्रू हो गई। और इधर आप कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी लगा सकते हो, जो भी कंडीशन लगाएंगे वो आपको एक बूलियन एरे निकाल कर दे देगी। ठीक है, सो आप बूलियन एरे इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप जहाँ जहाँ पर ट्रू आ रहा है ना, उससे एक रैंक वन एरे बना दें। ठीक है, सो ये मैंने क्या किया, ए बूलियन इंडेक्स। ठीक है, अब ये एक तीसरी चीज़ आ गई, तीन तरह की इंडेक्सिंग हमने पढ़ लिया है। एक है स्लाइसिंग, जो कि बिल्कुल लिस्ट की तरह की थी। एक थी इंटेजर इंडेक्सिंग, कि हम एक्स और वाई को दो रैंक वन एरेज बनाएं और उनके थ्रू एक्सेस कर लें। तीसरी ये है कि हम एक बूलियन इंडेक्स जनरेट कर लेंगे जहाँ जहाँ पर ट्रू आता है। ठीक है, और जब हम ए को बूलियन इंडेक्स से एक्सेस करेंगे तो वो देखेगा जहाँ जहाँ पर भी ट्रू आता है उन सब को प्रिंट कर देगा। राइट, तो इसने 3, 4, 5, 6 को प्रिंट कर दिया, एक एक करके हर कॉलम पे गया और उसने 3, 4, 5, 6 प्रिंट कर दिया। ठीक, सो नहीं नहीं अभी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो यू ऑलवेज गो बैक टू द वीडियो एंड सी अगेन। ठीक है, मैं पाइथन पे आज से ज़्यादा का दिन नहीं लगाना चाह रहा, बिकॉज इट्स नॉट दैट वो के वो इसके। ठीक है, सो ए ग्रेटर देन टू करूँ, मतलब एक हमने ये स्टेप्स में किया था, लेकिन ये जो पूरे स्टेप्स किए थे इसके बजाय हम सिंगल लाइन भी कर सकते थे, लेकिन उससे एक्सप्लेन हो गया कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे थी, हमने उसमें कहा कि यार समथिंग ग्रेटर देन समथिंग या कोई भी कंडीशन लगाई, तो जहाँ जहाँ पर ट्रू आ रहा था अगर मैं उसके ज़रिए एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो वो एक एक करके रो पे जाएगी, सारी सारे कॉलम्स पे जाएगा और एक सिंगल लाइन बनाकर उसको दे देगा हमें। ठीक, ओके, ठीक है, अच्छा, डेटा टाइप्स जो है बाय डिफॉल्ट पाइथन खुद ही से जज करने की कोशिश करेगा कि कौन सा डाटा किस टाइप का है। अगर आपने पॉइंट नहीं डाला हुआ तो वो उसको हो सकता है इंटीजर बना दे, या अगर पॉइंट डाला हुआ है तो वो फ्लोट बना दे। ठीक है, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली भी बता सकते हैं, अमूमन जिस तरह पहली केस में वो ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर बना देगा, दूसरे केस में पॉइंट्स डाले हुए हैं उसको समझ आ जाएगी कि ये फ्लोट है, तीसरे केस में हमने खुद बताया कि यार इसकी डेटा टाइप np.int64 कर दो। ठीक है, कि मुझे 32 बिट के नहीं, मुझे बड़े इंटीजर चाहिए, तो हमने तो आप कॉमा डाल के इसकी टाइप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि तीनों की हमने टाइप से सिर्फ प्रिंट की हुई है, तो एक्स की डाटा टाइप जो थी वो int32 थी, वाई की जो थी क्योंकि पॉइंट डाले हुए थे फ्लोट 64 थी, जी में क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली int64 कहा है तो उसने int64 में। ठीक, ओके, अरे मैथ्स पे आ जाते हैं जो काफ़ी ईजी है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमने दो एरे बनाई 1, 2, 3, 4, 5, दूसरी एरे बनाई 5, 6, 7, 8। ठीक है, और हमने कहा कि फ्लोट 64 टाइप की बना दो, ना भी कहते तो कोई बात नहीं थी। अगर मैं x प्लस वाई करूँ तो वो प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, बाय डिफॉल्ट पाइथन उससे मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा बल्कि पॉइंट बाय पॉइंट ऐड मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये चार एलिमेंट थे तो पहले को पहले में ऐड कर देगा, पहले को पहले में मल्टीप्लाई कर देगा, पहले को पहले से डिवाइड कर देगा, पहले को पहले से सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या है पाइथन में कि नंपाई एरे को अगर मैं प्लस करूं माइनस करूं, ठीक है, आप डॉट ऐड भी यूज कर सकते हैं, बट इट डजंट मैटर बिकॉज प्लस है तो हम क्यों करें। ठीक है, तो इसी तरह आप माइनस करेंगे तो ये देखें पॉइंट बाय पॉइंट उसने माइनस कर दिया है, चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे माइनस करें एक ही आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो पहली एरे को 1, 2, 3, 4 से 5, 6, 7, 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4, 4, 4, 4 आ गया, ऐड किया तो 6, 8, 10, 12 आ गया। ठीक है, तो ये आप ऐड करके देख सकते हैं, ये होगा मल्टीप्लाई करके देखें तब भी यही है, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई हो रहा है, दो एरेज आप इस दो मैट्रिसेस थ्रू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं मल्टीप्लाइंग बल्कि पहला वाला पहले वाले से दूसरे वाला दूसरे वाले से। ठीक है, और डिवीजन भी इसी तरह, ठीक है, डिवीजन भी इसी तरह चल रहा है। ठीक है, और इसी तरह आपने स्क्वायर रूट लिया तो वो भी एलिमेंट वाइज हो जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंट है फ्रॉम मैटलैब, मैटलैब में अगर आप स्टैटिक यूज करते तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जानी थी। ठीक है, इधर आपने अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है
ठीक है, तो तब हम उसके लिए डॉट फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हमने इधर कुछ एरेज क्रिएट की, 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी तरह क्रिएट की, और दो हमने वन डायमेंशनल एरेज क्रिएट कर दी, एक 9 10 और एक 11 12। ठीक है, और अभी हमने क्या किया, वी डॉट डब्ल्यू किया, वी को हमने डब्ल्यू से डॉट प्रोडक्ट ले ली, तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो ये 9 11 से मल्टीप्लाई हुआ 10 12 से और दोनों ऐड हो गए। ठीक है, इसको इसकी दो इम्प्लीमेंटेशन है, आप ये भी कर सकते हैं कि पहले के साथ डॉट लगा के दूसरा लिख दें तब भी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, या सिंपल डॉट कॉल करके दोनों को पास कर दें। ठीक है, तो तब भी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने एनपी डॉट डॉट के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल डॉट का मतलब था एनपी डॉट डॉट, जिसके अंदर आप दो बता दें वैक्टर के इनको करें, तो डॉट का मतलब है कि आप उनको उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं कि आपने उन दोनों को दो वेक्टर्स हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दिया। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर्स की सेंस में है ये वो है। यही काम आप ऐड के ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, यानी वी ऐड डब्ल्यू भी लिखेंगे तो वो भी डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने मेट्रिक्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो तब भी आप तब आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह एक्स को मैंने वी से मल्टीप्लाई करना था, एक्स टू डायमेंशनल थी, वेक्टर वन डायमेंशनल था, तो अब आपके पास 2 by 1 को आपने 1 डायमेंशनल से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आना चाहिए, 1 by something, तो 2 by 2 को मल्टीप्लाई किया विद 2 by 1। ठीक है, तो 2 by 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, सो इसको मैंने रन किया तो ये 2 by 1 आ गया। ठीक है, अगेन आपके लिए सरप्राइजिंग ये होगा कि 2 रोज और 1 कॉलम होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन इसने इस तरह लिख दिया, उसकी वजह ये है कि ये रैंक 1 एरे थी, ये वेक्टर नहीं था। बेहतर ये था कि मैं इसको अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हो गया, मैंने क्या किया उसको रीशेप कर दिया, 2 by 1 बना दिया, अभी वो 2 comma nothing था। ठीक है, रैंक 1 एरे थी, तो इसलिए उसने रो दिखाई। अगर आप वो लीनियर अलजेब्रा की सेंस में करना चाह रहे हैं तो मैंने क्या कहा था, व्हेन इन डाउट रीशेप। ठीक है, तो उसको मैंने 2 by 1 कर दिया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, रीशेप क्या होता है, रीशेप में आप बस बता देते हैं कि यार इस शेप में ले आओ, ऑल इट नीड्स टू डू इज कि वो सारे एलिमेंट मैच करते हो, यानी मैं 2 by 1 तो कहता, मैं इसको 3 by 1 कहता तो इसने एरर दे देना था, क्योंकि भाई उसके तो 2 ही एंट्रीज थी। ठीक है, तो रीशेप इस तरह से यूज होता है। ठीक है, मैट्रिक्स भी करनी हो तो तब भी डॉट, तो अब इन सारी एग्जांपल में आप देख रहे होंगे कि हर एक पे सेम ही लिखा हुआ है, डॉट करके एक के साथ डॉट डॉट लगा दें, या एनपी डॉट डॉट में दोनों इनपुट दे दें, या ऐड कर दें, इन सब से एक ही काम होता है कि आपकी मैट्रिक्स विद वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो जाती है, वेक्टर विद वेक्टर भी हो जाता है, मैट्रिक्स विद मैट्रिक्स भी हो जाती है, तो ये अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो आप इनमें से जो सा भी प्रेफर करें वो कर लें, ये दिस इज ऑल डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग फंक्शन हैं, जिस तरह अगर आप सम करेंगे तो वो सबको सम कर देगी, अगर सम के साथ आप एक्सेस दे देंगे तो एक्सेस 0 का मतलब है कि तमाम इस डायरेक्शन में सम कर लो, एक्सेस 1 का मतलब है कि इस डायरेक्शन में सम कर लो। ठीक है, सो अगर हम देखें तो सिंपल सम ने क्या किया, 1 2 3 4 सारों को ऐड किया, आपके पास 10 आ गया। जब मैंने एक्सेस 0 लिखा तो उसने 1 को 3 में ऐड किया, 1 2 ऊपर था, 3 4 नीचे था, राइट, सो उसने 1 को 3 में ऐड किया तो 4 आ गया, 2 को 4 में ऐड किया तो 6 आ गया, तो एक्सेस 0 का मतलब है कि आपने इस डायरेक्शन में सम कर देना है, एक्सेस 1 का मतलब है कि आपने कॉलम्स को सम कर देना है, एक्सेस 1 किया तो उसने कह लें कि कॉलम वाइज रो वाइज सम किया, तो 1 और 2 को ऐड किया तो 3 आ गया, 3 और 4 को किया तो 7 आ गया। ठीक है, ओके, ऑब्वियसली एक और आपको जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है वो ट्रांसपोज, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में हमने ट्रांसपोज यूज़ किया था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट टी। ठीक है, ये x है, x डॉट टी करूँगा तो वो उसका ट्रांसपोज प्रिंट कर देगा, तो ये आपके पास 1 2 3 4 था, ये 1 3 2 4 हो गया कि रो कॉलम बन गई, राइट। ठीक है, और इसी तरह आप वेक्टर का भी ट्रांसपोज ले सकते हैं। ठीक है, इधर आपने देखा होगा कि इसने 2 square brackets लगाई हैं। ठीक है, बिकॉज अगर 1 square bracket हो तो वो रैंक 1 array होनी थी, अगर 2 लगा देंगे
तो ये अब वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये 1/3 यानी कि वो इसको रैंक 2 एरे कहेगा जिसके कॉलम एक है, रो एक है कॉलम 3 है, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि जब भी हमने बनाना हो तो हम रैंक 1 एरे बनाए ना, ठीक है। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ हम बनाए हमेशा रैंक, अगर हमने वेक्टर भी बनाना है, अगर हमने लीनियर अलजेब्रा काम करना है तो हम रैंक 1 एरे को बनाए ना, रैंक 2 भी काम करते हैं। ओके अच्छा, एक और चीज़ जो पाइथन में इंटरेस्टिंग है, जो कि बड़ी स्ट्रांग भी है और थोड़ी सी थोड़ा ये भी कह लें कि डेंजरस भी है लेकिन वो क्या है कि अगर आपकी नॉर्मली तो मैट्रिसेस में आपकी डायमेंशंस मैच ना कर रही हो तो हम कहते हैं ना कि उस पर ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें मैं ऐड करना चाहूँ एक 2x1 मैट्रिक्स, तो अब ये तो नहीं ऐड हो सकती। पाइथन में जब आप ये करते हैं ना तो ये ऑटोमेटिकली इसको कॉपी करके 2 बना देगा और इसको इसके साथ ऐड कर देगा, इट वॉन्ट कंप्लेन। तो अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो ये प्लस कर देगा, ये रेप्लिकेट कर देगा, ठीक है। अगर मेरे पास इसी तरह की 2x2 होती है और इस पर मैं कॉलम वेक्टर ऐड करना चाहता तो वो इसको 2 दफ़ा इस तरह कॉपी कर देता, ठीक है, और इसके अंदर ऐड कर देता। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि 2x2 2.2 को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ फिर 2.1, तो जो 1 डायमेंशन आ रही है ना वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सपैंड कर देता है, उसको रेप्लिकेट कर देता है बार बार, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1.2 भी कहूँगा तो ये 1 डायमेंशन को एक्सपैंड कर देगा, ठीक है। अगर मैं 2.2 को 1.1 से ऐड करना चाहूँ तो ये इन दोनों को 2 बना देगा, ठीक है। तो जनरल रूल ये है कि वो प्रिपेंड करता जाता है 1 डायमेंशन, यानी इस डायरेक्शन में वो एक्सपैंड करता जाता है एज लॉन्ग एज मैनी, यानी कि अगर मैं 3.2 को 2.3 में ऐड करना चाहूँ ना तो ये नहीं होगा बिकॉज ये 1 नहीं है, ठीक है, अब ये दोनों मैच नहीं कर रही, राइट। अगर इनमें से एक 1 होती, ठीक है, अगर ये 3.1 हो तब तो इसको पता है कि यार इसको मैं 3 दफ़ा रेप्लिकेट कर दूंगा, ठीक है, इस ये 3.1 इज अ कॉलम तो इसको मैं 3 दफ़ा रेप्लिकेट कर दूंगा उसके बराबर हो जाएगी। अगर ये 1.2 होता तो तब भी रेप्लिकेट हो जाता, लेकिन अगर 1.3 है अब इसको कंप्लेन करेगा कि नहीं यार इसको तो मैं रेप्लिकेट करके नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक जनरल सा तरीका है। तो इसका क्या फ़ायदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर हमने एक एरे बनाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कह लो कि 4 रोज़ 3 कॉलम्स की, ठीक है। एक और वेक्टर बनाया जो 3 का था और हमने एक वाई बना दी जो कि एम्प्टी मैट्रिक्स थी, मगर उसकी शेप एम्प्टी लाइक का मतलब है कि उसकी शेप किसी इस जैसी रखो, ठीक है, तो शेप उसने वो रखी, ठीक है। तो अगर मैंने बाय डिफॉल्ट इसमें ये वेक्टर ऐड करना होता तो मुझे क्या करना था, एक एक करके कॉपी करना था वेक्टर को, अलग अलग लूप लगाना पड़ना था। तो ये बताया हुआ कि अगर अगर ब्रॉडकास्टिंग ना होती तो क्या करना था, चले ये आपको नहीं, इसको हम इग्नोर कर देते, ठीक है। सो बेसिकली हमने करना क्या था कि उसको अगर मैंने वेक्टर को ऐड करना था, मेरे पास 4x3 मैट्रिक्स थी, एक मैंने 3 का वेक्टर ऐड करना तो मुझे 4 दफ़ा रेप्लिकेट करके उसमें ऐड करना था, राइट, जो कि मैंने पहला केस आपको बताया 2x1 के केस में। तो लेकिन आप अगर सिंपली x प्लस वी करें ना तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल x प्लस वी किया, उसने ऑटोमेटिकली उसको रेप्लिकेट करके ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये जनरल रूल्स इसके लिखे हुए हैं जो कि मैंने जिसकी समरी आपको बता दी कि समरी क्या है कि जोन से डायमेंशन 1 है ना वो उसको एक्सपैंड करके अगर वो मैच हो सकती हुई तो उसको कर देगा, अगर कोई छोटी डायमेंशन है तो वो प्रिपेंड कर देगा 1, यानी कि वो दूसरी डायमेंशन में ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। जिस तरह इस केस में क्या था, ये वाला जो केस पहला मैंने बताया था कि जिसमें ये नहीं था, तो ये 2x2 था, इसको हमने सिंपल 2 के साथ करना था, तो आप इस तरह 1 प्रिपेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा और अब 1 को आप बढ़ाकर 2, तो 1 को आप हमेशा बढ़ा सकते हैं और इस तरह 1
प्रिपेंड कर सकते हैं। तो अगर जितनी 10 डायमेंशन भी हो, अगर आप उसके इधर 1 लगा दें और उसके बाद उसको बढ़ा दें और वो मैच कर जाए, इसका मतलब है कि चल जाएगा। अगर कोई मेरे पास 3x2x3 है बाय 4 मैट्रिक्स थी और उसको मैं कहता हूँ कि 3x2x1x1 करना है, ठीक है, तो इसको पता है कि यार मैंने 1 को मैं 3 टाइम रेप्लीकेट कर सकता हूँ, 1 को मैं 4 टाइम रेप्लीकेट कर सकता हूँ, तो ये कर देगा, ठीक है, इसको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इस जगह पर आ जाता 2, आप ये कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज 1 को तो वो रेप्लीकेट कर देता है, बाकी केसेस में रेप्लीकेट नहीं करता, ठीक है। दैट्स जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। सो क्या हुआ, अभी है थोड़ा सा रह गया, ठीक है, अब वी आर ऑलमोस्ट डन, नंपाई हमारी ख़त्म हो रही है, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा आज, ठीक है, देर इज़ अ रीज़न ये है, मुझे पता है कि यू आर गेटिंग सैचुरेटेड अ लिटिल, लेकिन ये वाली चीज़ आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है, और इसमें से जो आखिरी 10-15 मिनट आपको नहीं समझ सही तरह आएंगे, यू कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन द वीडियो, बट मैं ये नहीं चाहता कि आप मशीन लर्निंग के कोर्स में 3 लेक्चर्स जो हैं वो पाइथन पे रख दें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, पाइथन पे हम 2 लेक्चर करें, क्योंकि इस स्टेज वाले कोर्सेज में अमूमन अज्यूम किया जाता है कि ये आपको मैंने ट्यूटोरियल दिया, आप खुद ही सीखें, ठीक है, और ये कहते हैं मैं असाइनमेंट दे दूँ, लेकिन हम लोग पाकिस्तानियों को आदत है कि हम ज़रा बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं, कोई नहीं, हम खुद ही सिखा दें सब कुछ, तो कोई नहीं, हम सिखा देते हैं, खैर है, कोई नहीं, ठीक है। तो उसकी एक बाय प्रोडक्ट ये है कि थोड़ा सा आज वाला लेक्चर सैचुरेटिंग हो सकता है आखिर में आके, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आई एम जस्ट नेक्स्ट डोर, तो आप इधर से निकल के मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। आउटर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अगर मैंने लेनी हो, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, तो एक इनर प्रोडक्ट होती है, एक आउटर प्रोडक्ट होती है, ठीक है, यानी इनर प्रोडक्ट होती है कि आप अगर एक मेरे पास है 3x1, इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं विद 1x2, तो ये हो सकता है बिकॉज इनकी अंदर वाली डायमेंशन कॉमन है, और रिजल्ट क्या आएगा, 3x2 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑपोजिट कर दूं तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने वो रैंक 1 एरे वाली चीज़ बताई थी कि क्योंकि ये रैंक 1 एरे बाय डिफॉल्ट नहीं होती, तो इधर हमने इसको रीशेप किया है इनटू 3x1, ठीक है, तो 3x1 रीशेप किया है, तो ये उसके बाद चला, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास अगर सिंपल वेक्टर था जिसको मैंने ऐड करना था, तो ब्रॉडकास्टिंग उसको रेप्लिकेट कर देगी, ठीक है। तो इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में वी को हमने ऐड किया, वी वॉज 1 डायमेंशनल, बट उसने ऑटोमेटिकली उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल जो हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिए हैं, तो मैं उनको जस्ट अवॉइड करता हूँ, आगे आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यानी कि फिगर आउट बाज़कात करना पड़ता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बाज़कात आप मैट्रिक्स टू वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे होंगे तो आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, अगर आप कॉलम वेक्टर किसी चीज़ को बना रहे हैं जो रो वेक्टर नहीं है, रीशेप करना पड़ेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जस्ट हम नंपाई से आप निकल के मैट प्लॉट लेप पे आ जाते हैं, जी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। नंपाई इज़ यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डाटा शेटा आपको जो स्टोर करना है डाटा साइंस में या मशीन लर्निंग में, वो आप नंपाई एरेज में सेव करें। दूसरा काम जिसकी वजह से हम पाइथन या मैटलैब टाइप की चीज़ों पे जाते हैं, वो ये कि इसमें प्लॉटिंग बड़ी आसान होती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैट प्लॉट लेब है इसके अंदर, जिसके अंदर से हम प्लॉट का को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, इट विल मेक इट पॉसिबल कि इन लाइन प्लॉटिंग कर सकें, यानी इसी फाइल के अंदर हम प्लॉट कर सकें, ठीक है, बजाय इसके कि वो प्लॉट एक अलहदा से खुले, ठीक है। सो np.a_range 0 3 × np.pi 0.1, इसका क्या मतलब है, ये जो a रेंज है ना, ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ठीक है। पहले हमने इसको रेंज की तरह यूज किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज ये है कि मैंने कहा np.a_range
और उसके आगे ये मेरा होता है स्टार्ट, दिस इज माई एंड, और इधर मैं कह लेंगे स्टेप बता देता हूँ कि कितने स्टेप से जाना है, राइट। तो जितना आप इधर, मैंने कहा कि यार पॉइंट वन के स्टेप से जाओ, जीरो से स्टार्ट हो जाओ और थ्री पाए तक चले जाओ, ठीक है, क्योंकि हम आगे साइन और कॉस देना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि यार कोई डेढ़ को वेव फॉर्म तो आ ही जाए, टू पाए तक एक आ जाएगी और थ्री पाए तक डेढ़ को वेव फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो थ्री इंटू पाए के लिए एन पी डॉट पाए यूज़ किया, और उसके बाद हमने कहा पॉइंट वन के स्टेप्स में चले जाओ ताकि हमें दरमियान में काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एन पी डॉट साइन एक्स, साइन फंक्शन लिया आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल था। प्लॉट करने के लिए सिंपल प्लॉट एक्स वाई करना है, प्लॉट डॉट डॉट प्लॉट एक्स वाई करूँगा, रन करूँगा, तो ये आपके पास ये खूबसूरत सा प्लॉट डेढ़ को वेव फॉर्म जो मैं कह रहा था, मैंने पूरा उस पर देखा था, ठीक। इसी तरह आप अगर थोड़ा सा एक से ज़्यादा वेव फॉर्म करना चाहें तो आप, लेट से हमने एक वाई साइन और वाई कॉस बना दिया, ठीक है, एक में कॉस ले लिया एक में साइन ले लिया, दो दफ़ा प्लॉट कर दिया, पहले को प्लॉट कर दिया दूसरे को प्लॉट कर दिया, ठीक है, तो वो दोनों प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं नीचे हूँ तो ये दोनों वेव फॉर्म प्लॉट होगी, ठीक। एक दो काम हमने उसके अलावा किए हुए हैं कि बेहतर होता है कि जब आप थोड़ा सा प्रोफेशनल काम कर रहे हो या सीरियस काम कर रहे हो तो लेबल्स हमेशा हो, यानी कि एक्सेस पे भी लेबल लगे हों, प्लॉट का भी लेबल लगा हो, लेजेंड भी लिखी हो कि यार इस कलर वाला कौन सा है तो दूसरे कलर अलग हो, तो बड़ा आसान सा है, ठीक है, कि आप उसको कह सकते हैं कि एक्स लेबल बता दो, ये एक्स लेबल है, जो भी नाम दे देते, ठीक है, वाई एक्सिस लेबल दे दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छा नाम नहीं है एक्स एक्सिस लेबल और वाई एक्सिस लेबल, ठीक है, लेकिन जो भी आपने देना हो। और ऊपर हमने ये, ठीक है, साइन और कोसाइन हम दिखा रहे हैं, लेजेंड भी हमने बता दिया कि पहला वाला साइन है दूसरे वाला कोसाइन है, वो खुद ही कलर उसने खुद ही चूज़ किए हैं और उन कलर की बेस पे वो ऑटोमेटिकली लेजेंड को पहले वाले को पहले पे, दूसरे वाले को दूसरे पे मैप कर देगा, ठीक है। इसी तरह आपने अगर मैटलैब यूज़ की होगी तो हम कई दफ़ा चाह रहे होते हैं कि एक तो ये है कि एक दूसरे के ऊपर प्लॉट हो जाए, एक है कि दो प्लॉट नज़र आ जाए, सब प्लॉट नज़र आ जाए, ठीक है, तो वो भी बड़ा आसान है, ठीक है। आप क्या, ये हमने वही साइन कॉस रखा, हमने कहा सब प्लॉट 2 1 1, ठीक है, सो इसकी हाइट 2 रखो और विड्थ 1 रख दो, ठीक है। तो हमने पहले दो आर्गुमेंट बता रहे हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो मैंने कहा दो प्लॉट बनाने थे, मैंने कहा कि दो रोज बना दो एक कॉलम बता दो, और उसमें तीसरा बता रहे हैं कि उसमें से कौन से नंबर वाला प्लॉट करने जा रहे हैं, हमने कहा उसमें हम पहले नंबर वाला प्लॉट करने जा रहे हैं, तो पहला जो है वो टॉप पे प्लॉट हो जाएगा, दूसरा बॉटम पे, दूसरे पे हमने 2 1 2 का कि 2 1 में सेकंड वाले पे चले जाओ, ठीक है। तो साइन को हमने ऊपर प्लॉट कर दिया, कॉस को नीचे प्लॉट कर दिया, ठीक है, ओके। सो ये आपका प्लॉट आ गया ऊपर, जब ऊपर नीचे करें तो फिर कलर सेम ही हो जाता है। जब सब प्लॉट यूज़ कर रहे हो तो आपको प्लॉट डॉट शो अलहदा कॉल करना पड़ता है, मेरा ख्याल है ऊपर हमें कॉल नहीं करना पड़ा था, ठीक है, ऊपर हमने सिर्फ प्लॉट कॉल किया था तो वो उधर ही प्लॉट हो गया था, अदरवाइज हमें प्लॉट के साथ शो कॉल करना पड़ा, ठीक है। यू आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है, 2-3 मिनट और लूँगा, ठीक है। ये मेरे साथ, अगर आप यहाँ तक ख़त्म हो गया था बेसिकली, जो अगर मैं उनका ट्यूटोरियल को आप खोलेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल ट्यूटोरियल था उसमें इमेज के भी कुछ ऑपरेशन थे, तो नीचे जो मैं देख रहा था कि जो गिटहब पे पड़ा हुआ था वो इमेज वाले गायब थे, ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं ट्राई करता हूँ, तो कुछ एरर आना शुरू हो गए, क्योंकि ये ओपन सोर्स चीज़ों में ये होता है कि बाज़कात कोई फंक्शन किसी को लगता नहीं इस जगह नहीं इस जगह होना चाहिए, तो वो फिर दूसरी जगह ख़त्म हो जाता है, नए वर्जन में कहीं और चला जाता है। तो सो ये जो है ना, जिस एग्जांपल इसमें मेरे सारे फंक्शन तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जिस तरह इमेज के लिए ना आई एम रीड आई एम रीसाइज, ये बड़े सादे सादे से फंक्शन हैं जो कि एक इमेज को उठा लेते हैं फाइल से, रीसाइज कर देता है कि आपने किसी और डायमेंशन में लेकर आना, बेसिकली ये बड़े काम की चीज़ें कि आप एक इमेज को अपने पास एरे में ले आए, ठीक है। तो वन ऑफ प्रॉब्ली जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है कि जो पाइथन में आप कर सकते हैं, जो सी में आपको थोड़ा बहुत कहीं से कोई लाइब्रेरी उठानी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, जो आपको पाइथन में, इसमें सिंपल आई एम मैटलैब में भी यही है कि आई एम रीड यूज़ करें फाइल, आपके पास एरे आ गई, एरे के साथ जो मर्जी करें, और मशीन लर्निंग में हम अक्सर इमेजेस के साथ खेल रहे होंगे। तो मैंने अभी डेस्कटॉप पर ही एक ना, जो उन्होंने ही फाइल रखी हुई थी कैट डॉट जे पी जी, वो एसेट्स के फोल्डर एक बनाकर उसके अंदर कैट डॉट जे पी जी की हुई है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क मुझे ये करना पड़ा था कि उसने किया हुआ था फ्रॉम साइपाई मिस से
इंपोर्ट करो आई एम रीड, तो स्काईपाई इंस्टॉल्ड है लेकिन उसके नए वर्जन में मिस के अंदर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उसके बजाय मुझे इमेज आईओ से ये उठाने पड़े, ठीक है। बाकी ये तो मैट प्लॉट वाला और नंपाई जो है वो नंपाई ये मैं अभी ना भी करूँ क्योंकि पीछे नंपाई भी इंपोर्ट हुई है तो वो तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ कि इमेज आयो को एज आई एम आयो किया, आई एम आयो डॉट आई एम रीड किया, तो ये एक इमेज की एरे आ गई, ठीक है। ये इसको इग्नोर कर दें, ये मैंने यूज़ नहीं किया। नीचे मैंने आई एम शो यूज़ किया हुआ टू शो दिस इमेज, ठीक है। तो आई एम आयो के जरिए रीड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा इसमें मसला ये होता है कि यू इन डेट में हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, अगर कोई और चीज़ हो तो शो सही तरह काम नहीं करता। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आपको एक क्यूट सी कैट नीचे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसने इसके ऊपर एक दो और ऑपरेशन किए थे रीसाइज़ के, रीसाइज़ आई एम आई ओ के अंदर नहीं है, उसके लिए एक और लाइब्रेरी है पिलो, वो आपको करनी पड़ती है। मुझे उसके अंदर अभी ढूंढना है, मैं अभी क्लास से पहले ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट आई कुडंट फाइंड वो वाला फंक्शन, ठीक है। ओके सो सजेस्ट दो तीन मिनट और ले लेता हूँ, यहाँ पर हम ख़त्म भी कर सकते थे। यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट फाइल से रीड करना भी कितना आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मेरे पास ये मैंने एक और ट्यूटोरियल से लिया हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ और उनके नाम हमने लिए हुए रखे हुए हैं, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली फाइल ओपन करें, रीड राइट और अपेंड मोड में ये हो सकती हैं, और सिंपल रीड कॉल करें और उसको प्रिंट कर दें तो ये पूरे का पूरा मुझे दिखा देगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर मैं रीड लाइंस कॉल करूं तो ये भी यही काम कर देगा, लेकिन रीड लाइंस जो है ना वो उसको एक तरह की लिस्ट के अंदर पॉपुलेट कर देगा। तो इसने पूरी लाइंस रीड की और हर लाइन को लिस्ट में एक बना दिया, ठीक है। तो सो बेसिकली कहने का मकसद मैं ये अलग से इसलिए दिखा रहा हूँ कि फाइल जो टेक्स्ट फाइल हो उससे रीड करके मैंने किसी लिस्ट में लाना हो तो इट्स जस्ट वन क्लिक, ठीक है। यानी कि आपने रीड लाइंस किया तो उसने ऑटोमेटिकली उठाकर आपको एक स्ट्रिंग सारी अलग करके दे दी, ठीक है। आप इसको आगे इंडेक्स भी कर सकते हैं, लाइन्स वन करूँगा तो वो सिर्फ पहली वाली लाइन उठा लेगा, ठीक है। और अगर आप लूप लगा कर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि आप फॉर एम्प्लॉई इन एम्प्लॉई डॉट रीड लाइन्स तो आप प्रिंट करते जाएं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने राइट करना हो तो आप राइट भी कर सकते हैं फाइल को बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर हमने अपेंड मोड में खोली, अपेंड का मतलब है कि आखिर में अपेंड करेगा, और हमने उसके अंदर राइट किया, एक नया लाइन डाल दी और क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा रीड करके उसको प्रिंट करवाया तो ये जो हमने नई लाइन थी जिसमें हमने एक और बंदे को ऐड कर दिया वो भी इधर आखिर में ऐड होगी जो पहले नहीं थी, ठीक है। और ये अगर मैं इधर भी फाइल खोलूँ तो वो कह रहा है कि ये मॉडिफाई हुई है तो उसके अंदर ये नई लाइन आ गई, राइट। आप अपेंड करें तो आखिर में अपेंड होता है, अगर आप राइट मोड में करें तो सिंपली नई फाइल बन जाती है। जिस तरह अगर मैं ये रन करूँ तो हमने एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना दी, ठीक है। तो आप डेस्क टॉप पर कहीं पर ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गई होगी, ठीक है। जिसको खोलूँ तो दिस इज़ एच टी एम एल लिखा हुआ है, ठीक है। वेबसाइट्स जो होती हैं वो एच टी एम एल फाइल होती हैं, ठीक है। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें, आपको वेबसाइट मैंने नहीं बनवानी, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि उनमें कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं होती है। आप अगर लिखेंगे तो ये एक पैराग्राफ आ जाएगा, हेडिंग भी दे सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। आखिरी चीज़ ये है कि जो बेसिकली हमने इम्पोर्ट करके देख लिया, लेकिन इम्पोर्ट जो है ना वो करता क्या है, वो किसी भी आपने कोई सेट ऑफ फंक्शंस लिखे हैं आप उनको इम्पोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर एक यूज़फुल टूल्स के नाम थे ना, एक पाइथन फाइल मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये भी एक और ट्यूटोरियल था, आप गूगल पे सर्च करेंगे पाइथन इन 4 आवर्स, तो 4 घंटे में एक बंदे ने पूरी पाइथन की वीडियो बनाई हुई है, बड़ी पॉपुलर वीडियो है फ्री कोड कैंप के ऊपर, ठीक है। सो जितना इधर अब हमने क्या किया हुआ है, कुछ मतलब फीट टू माइल, माइल्स मीटर टू किलोमीटर, बीटल्स के नाम लिखे हुए हैं, गेट फाइल एक्सटेंशन उसकी एक छोटा सा बनाया हुआ है, ठीक है। सिंपल रोल डाइस के एक डाइस रोल करें 1 to 6 तो आप रैंडम 1 to नाम तक जनरेट करें। तो आप क्या कर सकते हैं अगर इसको यूज़ करना है, ये मैंने भी डेस्कटॉप पर ही रखी हुई है और ये भी डेस्कटॉप पर ही पढ़ा हुआ है, तो मैंने सिंपल किया इम्पोर्ट यूज़फुल टूल्स, तो यूज़फुल टूल्स डॉट पाई फाइल अगर पढ़ी है ना तो ये इम्पोर्ट हो जाएगी। अब मैं चाहूँ तो इसके फंक्शंस यूज़ कर सकता हूँ सिंपल डॉट लगाकर।
तो जो हम बाकी के पैकेजेस भी यूज कर रहे थे ना, सो हमें अगर एक दफा किया तो इससे 9 किया, ठीक है, ये मैंने बताया किधर तक, कितने तक का, अगर मैं 6 तक का डाइस बनाना चाहूँ तो वो 6 तक का कोई रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा, ठीक है, जितनी दफ़ा भी मैं रन करूँ, कभी 1 आ जाए, शुरू में ही 2 छक्के आ गए, ठीक। सो दैट्स काइंड ऑफ इट। आखिरी चीज़ एक रहेगी, अभी बंद ना करें, ठीक है, वो ये कि जो मॉड्यूल्स है ना वो पाइथन की स्ट्रेंथ है। ओपन सोर्स है, बहुत से लोग मॉड्यूल्स लिख रहे हैं, आप मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना चाहें ऑनलाइन तो उसके लिए यूटिलिटी यूज होती है पिप, ठीक है, आप लिखते हैं पिप इंस्टॉल और कोई भी चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पाइथन डैश डॉग एक्स अगर मैं करूँगा तो ये किसी ने लाइब्रेरी लिखी हुई है कि जो वर्ड फाइल को रीड कर सकती है, ठीक है, या उस पर राइट करवा सकती है, ठीक है। इस तरह की 50 और चीज़ें, ठीक है, जो ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इस आपने उसमें से मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है और उसको इस्तेमाल करना है। और ये हम जो पीछे यूज़ कर रहे थे नमपाई, वो भी हमने इसी तरह इंपोर्ट किया है, जो इमेज आया हुआ है वो भी इसी तरह इंपोर्ट किया है, साईपाई भी इसी तरह थी, प्लॉटलिब भी इसी तरह थी, हमने इंपोर्ट किया और उसको इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि पाइथन इज़ ऑलवेज ग्रोइंग। तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये कुछ अर्से बाद पुराना हो जाएगा, नई चीज़ें आ गई होंगी, मैंने तो बहुत छोटी सी चीज़ें बनाई, हो सकता है कि कल को नाम पाए के बजाय कोई और चीज़ पॉपुलर हो जाए, ठीक है, या टिपिकली तो खैर उसका इतना यूज़ हो गया कि इतनी ज़्यादा कुछ अर्से तो चलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि कीप एक्सप्लोरिंग, ठीक है, और इंशाल्लाह आपको नई से नई चीज़ें मिली। यहाँ पर हम रुकते हैं, पाइथन का हमारा जो हमने कवर करना था वो कर लिया, आई विल प्रॉब्ली गिव एन असाइनमेंट ओवर द वीकेंड, ठीक है।